सात विकेटों से इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये कहना जरूरी है कि इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैदान में मुकाबला नहीं है। उसके अलावा भारत सेमीफाइनल से एक कदम। अरे यार रुक जाओ भाई, भारत सेमीफाइनल। और भाई बस 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 यार, ये देखिए ये क्रिकेट का जुनून है भाई। अहमदाबाद में भारत ने सात विकेटों से मैच जीता है सेमीफाइनल से। मुझे मेरा मानना है कि सेमीफाइनल के दरवाजा है तो भारत ने बस खोल दिया है, तोड़ना बाकी है। लेकिन अगर मैं अहमदाबाद में आपको पहले दर्शकों का हुजूम और साथ ही सेलिब्रेशन, यार जो 100 दिन से भारत इंतजार कर रहा था, जिस दिन वर्ल्ड कप का शेड्यूल अनाउंस हुआ था कि 14 अक्टूबर, भाई तब तो 15 था, यहाँ पर मैच होगा इंडिया पाकिस्तान का। लोग कहते होंगे जी सुपर हिट मुकाबला, लेकिन आज के बाद मैं इसको सुपर हिट नहीं कहूंगा, सुपर पिट मुकाबला। यस यस बोलिए रोहित 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 रोहित। मुझे मालूम, मुझे मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे, मेरी आवाज इनकी है जो गूंज रही है अहमदाबाद में, गूंज रही हिंदुस्तान में और गूंज रही होगी पाकिस्तान में भी, क्योंकि आज पाकिस्तान को वर्ल्ड कप क्या चीज होती है, वर्ल्ड कप जीतने के लिए कौन से खिलाड़ी चाहिए होते हैं, कैसे खेलना होता है, वो भारत ने आज दिखाया है। एब्सोल्युटली रो रहा होगा जो रोहित ने पुल मारा है, सिक्स रन मारा है, पांच छक्के मारे, जो अप्रोच थी पहले ओवर से, जो अप्रोच थी पहले ओवर से वो दिखा दिया था कि ये मैच तो जल्दी खत्म हो जाएगा, जो पहले ओवर में तो पीटा था। रोहित भाई क्या आगे कोई बोल सकता है क्या? कोई नहीं, गली क्रिकेट है, गली क्रिकेट। रोहित 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 45 रोहित। देखिए गेंदबाजों ने ना वैसे ही मैच आ गया था, भारत जब बैटिंग करने आया था तो तब नहीं था 192 रन, आप जानते हैं यार इस क्रिकेट पे इंडिया के लिए। आप अगर 20 ओवर से मैच जीतते हैं, 20 ओवर रहते मैच जीतते हैं सात विकेटों से, आप अंदाजा लगाइए कि दोनों टीमों के बीच हुआ क्या है। मतलब मुकाबला नहीं हुआ, पिछली लगातार जीत है। रोहित शर्मा यार क्या बैटिंग की उन्होंने, कितनी बड़ी ग्राउंड, बड़ा क्राउड देखते हुए ही घबरा गई, पहली बार उनकी लाइफ में 1.25 लाख पब्लिक देखे, वो तो पब्लिक को ही देखती रह गई साहब, उनका खेल पे तो ध्यान ही नहीं था। 155 रनों पर उनके 2 विकेट गिरी हुई थी। बाबर आजम रिजवान जिनके पास मौका था ना बड़ा बनने का, वो मौका ना सिर्फ उन्होंने गवाया है बल्कि उनकी टीम ने। अच्छा ये देखिए और बहुत से लोग आ रहे हैं अचानक से मैदान में, लोग जो मैदान में आए थे वो बाहर आ रहे हैं। हाँ जी एंजॉय किया सर आपने मैच? अरे बहुत मजा आया। कौन है विक्रम सर? कोई बात नहीं फोन को बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आप सुनिए। मजा आया, बहुत मजा आया सच में, मजा आया। आपका एनालिसिस मैंने आज मिस किया, मेरे एनालिसिस को छोड़िए आप अंदर बताइए। मजा आया, वन साइडेड मैच किया, पाकिस्तान को 8वीं मार हराया हमने। वाह ये तो हॉकी का मैच हो गया। चीयर अप फॉर विक्रम भाई, वी लव यू। तो लोग आप लोग कैसे सेलिब्रेट करेंगे, ये तो हो गया मैच का, नाचेंगे हमें लगता है कि सुरेश रैना मदन सर से एक एक रिएक्शन ले लें और ये तस्वीरें हम दिखाते रहे जोश और जश्न की। एक्सपेक्टेड था बिल्कुल, मदन सर आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे इसी तरह की जीत? नहीं देखिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी आसान जीत होगी, क्योंकि मैंने सोचा था कि शायद मैच अच्छा होगा, बट भारतीय टीम इतना अच्छा खेली कि उन्होंने वन साइडेड मैच कर दिया। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मिस मैच कर दिया, मिस मैच कर दिया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को ऐसे हराना देखिए, हमेशा हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला बड़ा ज़बरदस्त होता है, इसमें कोई ज़बरदस्त वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि इवन बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने ना पाकिस्तान को धराशायी किया है, और पाकिस्तान के पास कोई क्लू ही नहीं था। जैसे आज पाकिस्तान क्रिकेट खेली है, मैं सोचता हूँ आने वाले समय में इनका क्रिकेट का सर, इन थोड़ा सा ठीक है
अभी अहमदाबाद में एक खिलाड़ी ने कहा कि 5 छक्के मारे, सुरेश ने रैना ने कहा कि नहीं 6 छक्के मारे। देखिए हम वापस अहमदाबाद जाएं, इससे बढ़िया ये कि आप अच्छा किया तो ने थ्रो मारी एनालिसिस कर दी। हाँ जा रहे राहुल रावत के पास भी जाएंगे। राहुल रावत, सुरेश क्या कहेंगे आप रोहित की बल्लेबाजी पर? नहीं, जबरदस्त बैटिंग, वो हमारे हिंदुस्तान तो वो मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। सबको बैटिंग मिली, सबको बॉलिंग मिली, और जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया रोहित शर्मा ने, आई थिंक बैटिंग वाइज और जिस तरह से नीट एंड क्लीन बैटिंग कर रहे हो, मदन पाटिल आप दोनों की बात कर रहे हैं लेकिन एक्साइटमेंट वहां बहुत ज्यादा है। तो राहुल के पास लिए चलते हैं। राहुल बताइए, क्या जोश, क्या जुनून, जिस तरह से जश्न मन रहा है। मिलवा देंगे, वो इस वक्त आपको सामने देख रहे हैं। आप लोगों से मिलना चाहते हैं सब लोग अहमदाबाद में। मैं आपको सही भाई, मैं आपको जोश दिखा देता हूँ। कहाँ गया जोश अभी तक? आप कह रहे हैं सुरेश ना मदन लाल जी से मिलवाइए। आपने बोले मेरे को लगता है, हमें तो ऐसा लगता है हम भी उधर घूम जाएं। माता की, भारत माता की। और अभी अभी जो डांस कर रहे थे वो लोग कहाँ गए? डांस कहाँ गया आपका? देख लीजिए यहाँ पे नजारे। और अभी अभी अंदर जो लोग थे और जो बाहर लोग हैं, अभी आधी संख्या अगर आप ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, स्टेडियम के बाहर ऐसा लग रहा है नीली नदी बाहर आ रही है, और यहाँ पर इस वक्त हम नीले समंदर पे बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है हम जहाँ पे खड़े हैं चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नीला है। ये देखिए एक छोटे फैन, बच्ची का नाम क्या है? काश्मी जैन। काश्मी जैन, आप अंदर? बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। आप लोगों में से इंडिया पाकिस्तान का मैच पहली बार किसी ने लाइव देखा? बिल्कुल, हमने लाइव नहीं, उससे पहले नहीं, लाइव बिल्कुल। टिकट कितने की ली थी? टिकट हमारी 4000। और मजे कितने आए? मतलब लाख रुपए का वसूल हो गए? बिल्कुल डेफिनेटली, पैसे वसूल है। आपने देखिए विराट की बैटिंग देख ली, रोहित की बैटिंग देख ली, श्रेयस की बैटिंग देख ली, और गेंदबाजों का कमाल देख लिया। 191 पे पाकिस्तान, सोचा था इतना वन साइडेड कॉन्टेस्ट होगा? वन साइडेड का सोचा नहीं था, बट हमारे बॉलर्स ने हमारे पार्टनरशिप हुई थी। नाम बताओ? हिमांशु निठारवा, राजस्थान से। जब पार्टनरशिप हो रही थी लग रहा था 300 ऊपर जाएगा और मैच बराबर का होगा, लेकिन जैसे आउट हुआ एक विकेट की राजो पाकिस्तान की हालत हुई है। पाकिस्तान में लगता है यहाँ भी नाचे और अंदर भी बहुत ज्यादा आया, बहुत ज्यादा। अब इंडिया कहाँ जा रहा है? अब यहाँ से इंडिया जहाँ भी मैच होगा मैच तो देखेंगे। नहीं, वहाँ तो जा रहा है, वर्ल्ड कप आ रहा है। नहीं यार, बिल्कुल बिल्कुल सर, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के हाथों आएगी और यहीं से आएगी सर, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी इंडिया के हाथों में। अच्छा, किसी को कभी कोई डाउट था कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है? नो नो, बिल्कुल 100% नहीं था डाउट, नो डाउट। हमें कुछ भी डाउट नहीं था, इंडिया ही जीत। राहुल बहुत अच्छा लग रहा है आपको वहाँ सबके साथ सुनकर, लेकिन हम आते हैं दोबारा। और कितनी छोटी सी बच्ची गई देखी वहाँ पे, वो काश्मी, और उसने लिखा माय डेब्यू मैच। हम आप दोनों के रिएक्शन बहुत जरूरी है, लेकिन मुंबई जल्दी से एक बार हम खुशी दिखा दें, जोश जुनून दिखा दें। दीपेश क्या हो रहा है बताइए, कितना खुश मुंबई में लोग? जी जी, आज तक जी बिल्कुल, इंडिया जो मैच जीता है उसका जोश सिर्फ अहमदाबाद तक नहीं, पूरे देश में देखने को मिल रहा है, और मुंबई भी उससे पीछे नहीं रही है। यहाँ पर हर एज ग्रुप के लोग आए हुए हैं, तमाम एज ग्रुप के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ बुजुर्ग नौजवान हैं जिनको हम नौजवानी कहेंगे, जिनका जोश नौजवानों से मेल खा रहा है। सर आज इंडिया जीत गई है, 8वीं बार वर्ल्ड कप में जीता है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है? सर आगे भी आने वाले सब मैच हम जीतने वाले हैं पाकिस्तान के सामने, और हम तो सोच रहे हैं कि फाइनल जिस दिन होगा यही हॉल पे हम लोग वापस लाइव टेलीकास्ट करेंगे। तीनों मैच में इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट में बेस्ट रहा है, बॉलिंग साइड बोलो बैटिंग साइड बोलो, दोनों मैच ऐसे आगे की थी जिसमें 3 विकेट गई थी, फिर भी अपने कोहली ने और संभाल लिया था मैच, तो और तीनों में आज बॉलर लोग ने सब काम किया है, तो तीनों मैच में परफॉर्मेंस देख के ऐसा लगता है इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल में ही आएगी। सर पिछले मैच में, ठीक है दीपेश, दीपेश हम आते हैं आपके साथ। तो दो वर्ल्ड चैंपियन यहाँ पर हमारे साथ, मदन लाल जी और सुरेश रैना हैं, और एक और वर्ल्ड चैंपियन हरभजन भज्जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भज्जी खुश तो बहुत हैं आप, हमारे दोनों साथियों सुरेश रैना मदन लाल जी के साथ कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस जीत को? हर डिपार्टमेंट में टीम इंडिया पाकिस्तान पर भारी, 100% मानेंगे आप?
100% तो बहुत छोटा नंबर बोल दिया आपने, क्योंकि जिस लिहाज से क्रिकेट खेली है ये 200% भारी पड़े हैं। क्योंकि देखिए इंडियन टीम ने दिखाया है कि कितना दमखम है। टीम इंडिया वनडे मैचेस में 50 ओवर में पाकिस्तान से बहुत ऊपर है। मैंने पहले भी कहा था ये कोई मुकाबला नहीं है, ये शेरों का मुकाबला जो है ना, ये आपको कि थोड़ा सा नीचे वाली टीम के साथ था। क्योंकि जैसी कमबैक करी वहां एक समय लग रहा था कि शायद 270 के करीब पाकिस्तान पहुंच जाएगा, फिर जैसी बाबर आउट हुए उसके बाद ये पारी जो है वो लड़खड़ा सी गई, कोई ऐसा बल्लेबाज लगा ही नहीं कि 250 के करीब पहुंचा सकता है। तो ये दर्शाता है कि इनकी काबिलियत कितनी है बल्लेबाजी में या फिर गेंदबाजी में। देखिए जैसे डोमिनेट किया रोहित शर्मा ने, कमाल की वो बल्लेबाजी उनकी, वो डोमिनेट ऐसे किया जाता है। ये ऐसे वनडे क्रिकेट खेली जाती है, जो इंडियन क्रिकेट टीम ने टेम्पलेट सेट किया है ना वो काबिले तारीफ है। और देखिए इंडिया पाकिस्तान मुकाबला, मैं पहले कह रहा था कि 80% ये मुकाबला जो है भारत जीतेगा, और अगर पाकिस्तान को कुछ करना हो तो वो सिर्फ एक ही चीज कर सकती है, दुआ कर सकती है। बस आज दुआ ही करी होगी शायद, क्रिकेट तो उन्होंने ढंग की खेली नहीं है। बिल्कुल 200% आपने कहा है मदन सर और सुरेश दोनों, आप ये एक्सपेक्टेड था कि इसी लाइन पे आप दोनों सोच रहे थे सर, या कहीं कुछ? नहीं ऐसे तो नहीं सोचा था, जैसे इन्होंने स्टार्ट किया 155 के दो के बाद 191 पे ढेर हो जाना, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए वो सबसे मुबारकबाद। इंडियन टीम अभी पॉइंट ऑफ द टेबल में नंबर वन पे आ गई है, तो अभी आप देखेंगे जो हमने परफॉर्मेंस किया तो अभी हम टॉप ऑफ द टेबल आ गए, वो बहुत अच्छी बात है। जब आप टॉप ऑफ द टेबल आते हो तो एक अलग आप जोश के साथ खेलते हो, और उसके बाद जिस तरीके से कुलदीप यादव ने स्ट्राइक किया मिडिल ओवर्स में, कि वो वेपन है इंडियन टीम के लिए। बुमराह को नए बॉल से अच्छा डालना, उसके बाद आप देखेंगे पुराने बॉल से वेरिएशन के साथ डालना, जो रिजवान को जो बॉल डाला मुझे लगता है वो वर्ल्ड कप ऑफ द सेंचुरी वाला बॉल होगा पाजी, वो स्लो बॉल से जो बोल्ड हुए वो। और मतलब पाकिस्तान ऐसे हमने सोचा नहीं था कि वन साइडेड मैच हुआ, और अभी से नहीं 92 से चला आ रहा है वो। हमने वेंकी पाजी का वो 5 विकेट का स्पेल हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर पाजी का हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। बिल्कुल मदन सर, आज आपको तकलीफ हो रही, मतलब ये मुश्किल हो रही होगी कि क्रिटिसाइज करने के लिए कुछ है ही नहीं किसी को, हर डिपार्टमेंट में हर खिलाड़ी ने हमारे। देखिए सईद भाई, क्रिटिसिज्म जो है पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स है, पर अगर एक टीम इतना अच्छा, हमारी टीम का तो क्रिटिसिज्म बनता ही नहीं है, क्योंकि हम खेले ही क्रिकेट इतनी अच्छी है। हम ये तो नहीं है कि हम ऐसे ही किसी को क्रिटिसाइज करते चले जाएंगे। हाँ पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान के जो है ना, मैं पाकिस्तान को हमने बहुत जो वॉच किया है, ये प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते। इनका इनका जब जब भी कभी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है, इनके ऐसे ऐसे मैचेस इन्होंने हारे हैं, कई बार तो इनको 10 रन भी लास्ट में करने पड़ जाए वो भी नहीं होते इनसे। तो ये मैंने देखा है पाकिस्तान टीम, और आज जैसे बाबर और रिजवान का जब पार्टनरशिप चलेगा उसके बाद आपने देखा इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया इनके ऊपर कि वो 40-45 रन में सारे बैट्समैन जो है आउट हुए, और उसके साथ उनको कुलदीप का पता भी नहीं लगा कि कैसे उसको खेलना है। तो ये भी एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि हमारे बॉलर्स की एक बड़ी कामयाबी है कि जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, यू नो एज ए पेसर हो या स्पिनर्स हो, उन्होंने सामने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया। बिल्कुल, और उन्होंने जस्टिफाई किया रोहित शर्मा को, भाई आपने टॉस जीता है, हम आपको बताते हैं कि हम जस्टिफाई विकेट लेकर जस्टिफाई करते हैं। बिल्कुल मदन सर और सुरेश रैना दोनों यहाँ पर। बच्ची आपने 80-20 कहा, ये जो 80% आप टीम इंडिया को एज दे रहे थे, उसके पीछे आपके रीजंस क्या थे? मेरा मानना है कि इस टीम को अगर हमने आंकना है भारत के सामने, तो आप देखिए भारत किस लिहाज की क्रिकेट खेलते आ रहा था एशिया कप से, तो टीम जो है वो एकजुट लगती है। और वेयर एज आप पाकिस्तान की तरफ नजर घुमाएंगे तो कोई बल्लेबाजी में बहुत लोगों ने परफॉर्म नहीं किया हुआ है, शायद बाबर के एक आध इनिंग में रन आ गए, रिजवान के एक आध इनिंग में रन आ गए। वहीं गेंदबाजी में हमने शाहीन को या फिर बाकी गेंदबाजों को बहुत बड़ा बना दिया था, पर उनके भी जैसे पत्ते शो हो गए थे एक आध मैच के बाद वहां पे। तो काफी थकी टीम ये लग रही थी मुझे, इस कारण मुझे लग रहा था कि ये प्रेशर झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने लोग मैदान पे रहेंगे जब भारत का झंडा वहां लहराएगा, इतने लोगों का शोर जब वहां पे होगा, तो सिर्फ ये 11 खिलाड़ी पाकिस्तान के मुझे लगता नहीं था कि वहां पे कुछ कर पाएंगे। और जहनी तौर पे भी देखिए बहुत फर्क पड़ता है जब आप इतने बड़े क्राउड के बीच में खेलते हो, और दूसरा स्किल में भारत बहुत ऊपर है। अगर यही मैच 20 ओवर का होता तो शायद पाकिस्तान इससे बेहतर खेलती, उसमें इनको बेहतर चांस होता है, क्योंकि 20 ओवर का मैच होता है, आप एक बार थोड़ा सा पीछे लग जाते हैं तो फिर कमबैक का जो है वो रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वेयर एज इन 50 ओवर्स आई थिंक इंडिया इज द सुपीरियर साइड,
यू सी विराट कोहली फॉर्म, रोहित शर्मा फॉर्म, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अभी तो सूर्य कुमार यादव बाहर बैठे हैं, और बुमराह की फॉर्म, सिराज और शमी बाहर बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि ये भारत जो है ना वो बहुत सुपीरियर टीम है, तगड़ी टीम है। इसीलिए मैंने कहा था कि भारत अपने खराब दिन पे भी पाकिस्तान से जीत जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो गुण नहीं है, वो प्लेयर नहीं है जो उनको मैच जिता सके। उनके पास एक या दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो शायद अच्छा खेलेंगे, पर मैच कलेक्टिवली जीते जाते हैं, टूर्नामेंट कलेक्टिवली जीते जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा था कि 80 और 20 का ये मुकाबला है, भारत 80% आगे था, तो शायद मैंने उसमें भी लगा कि 5-10% और कम कह दिया। हाँ, 20 ओवर के मुकाबले दो बराबर स्टार्ट करेंगे, 50 ओवर में नहीं। बिल्कुल ठीक है भज्जी, भज्जी सुरेश रैना, मदन लाल जी, तीन तीन वर्ल्ड चैंपियंस यहाँ पर हमारे साथ हैं, और आज तक पर हम इन लोगों के साथ जश्न मना रहे हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही है पाकिस्तान पर इस बेहतरीन शानदार जीत। अनिर्बान कोलकाता से, अनमोल दिल्ली से, हम दोनों जगह आपको लिए चलेंगे। अनिर्बान, कैसे जश्न मना रहा है कोलकाता आज इस बेहतरीन शानदार जीत का? देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर मैच है तो ये इमोशन की खेल हो जाती है, तो इमोशन अब इस बार कोलकाता में जो है, देख सकते हैं कि कोलकाता में बड़ी जश्न मना रहे हैं सारे मिलके यहाँ पे। अब मैं भाई एक दो चीज बोलना चाहूंगा। हाउ इज द जोश। अब बड़ी जीत मिली है इंडिया को, तो क्या लगता है आज जो जीत मिली है, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी बड़ी जीत होगी वर्ल्ड कप? यस, ऑब्वियसली हम एक्सेप्ट कर रहे थे पहले से, इंडिया का बॉलिंग से जब से शुरू हुआ तब से हम समझ गए थे ऐसे ही जीत मिलेंगे, इतने बड़े मार्जिन से जीत मिलेंगे हमें। अभी तो फिलहाल पूरा टूर्नामेंट बाकी है, लेकिन इंडिया कोलकाता में भी खेलने वाला है, तो आप लोग जाएंगे सारे मिलके? ठीक है अनिर्बान, एक छोटा रिएक्शन हम ले रहे हैं क्योंकि देश भर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम दिल्ली अनमोल के पास भी आपको लिए चलेंगे। अहमदाबाद राहुल रावत लगातार बने हुए हैं। राहुल, जल्दी से एक बार फिर से, किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है? जी सही भाई, मैं आपकी आवाज फिलहाल बहुत कम सुन पा रहा हूँ, पर मुझे पता है कि आपको भी यहाँ पर जश्न देखना है, पूरे हिंदुस्तान को जश्न देखना है, और हमारे साथ ये नासिर हैं अंदर से और आए हैं अभी मैच देख के, ये तैयारी पूरी कर चुके हैं 2083 कपिल देव, 2011 महेंद्र सिंह धोनी, और 2023 रोहित शर्मा। और सही भाई, पिछले तीन वर्ल्ड कप एडिशन में क्या हुआ है, आप में से कोई बता सकता है पिछले तीन वर्ल्ड कप एडिशन में क्या हुआ है? होस्ट टीम कभी भी वर्ल्ड कप हारी नहीं है, हमेशा जीती है। इंडिया तेरा बाप है, पाकिस्तान तू छोटा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये देखिए भीड़ से भाई कम नहीं होगी, पीछे समंदर है, पीछे एक नीला समंदर है। आप लोग राजस्थान? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपकी? दोनों का विशाल। दोनों विशाल हैं। आज आपने भारत की विशाल जीत भी देखी? जीत हुई आज। विशाल, इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा है? बिल्कुल। अच्छा, मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था? बाबर आजम का विकेट। अगर बाबर आजम टिक जाते 191 पे ऑल आउट होना, ये सिर्फ इंडिया कर सकती। आपको लगता है इंडिया बाबर आजम या फिर पाकिस्तान को 300 बनाने देता? इंडिया की गेंद इंडिया के सामने कोई चल सकता है क्या? ठीक है, दोबारा आते हैं आपके पास राहुल। और देश भर में जो जश्न मन रहा है, दिल्ली, राजधानी दिल्ली में क्या स्थिति है, किस तरह से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं? अनमोल बाले हमारे साथी, हमारे संवाददाता के साथ। अनमोल, बताइए जल्दी से। सैयद, इस समय मैं कनॉट प्लेस में हूँ, दिल्ली के दिल कही जाने वाली जगह में, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लोगों की खुशी। आप नारों से ही समझ सकते हैं कि लोग कितने खुश हैं, लोगों में कितना उत्साह है, लोग एकदम चेयर अप हो चुके हैं। तो यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। तो अंकल जी, भारत ने आज जीत दर्ज कर ली है, बहुत मैच जो उम्मीद थी रोमांचक रहेगा, पर उतना रोमांचक नहीं रहा, तो क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है ना, उनने इतने रन नहीं वो बना सके पाकिस्तान वाले जो इंडिया को मार दे सके, वो पहले ही मारे हुए थे, तो इंडिया ने उनको पहले ही मार दिया। तीन कंटिन्यूस है इंडिया मैच जीत रही है, ये पाकिस्तान जो शोर मचा रहा था, इंडिया
और पाकिस्तान का मैच है, तो सबसे पहले आठवीं बार ये जीत इंडिया की पाकिस्तान। यही से समझ सकते हैं लोग कितने सारे। तो मैच का ऐसा कौन सा मोड़ रहा जो आपको रोमांचक लगा इसमें? सर सारे मोड़ रोमांचक थे। ये बाबर जो आए थे सज धज के अपनी सारी फरमाइशें पूरी करवाने के लिए इंडिया से, धराशायी हो गए हैं। हमने इनको खाना दिया, पीना दिया, हर चीज सुविधा दी। मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूंगा कि वहाँ पे टीवी की सप्लाई जारी करें, क्योंकि वहाँ पे कितने टीवी फूटे होंगे पाकिस्तान में, औकात नहीं है पाकिस्तान का। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि लोग कितने उत्साहित हैं, लोगों के जो मुंह पर स्माइल है। शख्स की जीत है, हर जवान की जीत है, सेना के हर अध्यक्ष जो बॉर्डर पे खड़े हैं सबकी जीत है। एक बार फिर से रोहित शर्मा और विराट कोहली की कंपनी में साबित कर दिया कि बाप। ठीक है अनमोल, आते हैं हम हमारे पास, हम हमारे एक्सपर्ट्स वर्ल्ड चैंपियंस जो हमारे साथ हैं उनसे बातचीत का ये सिलसिला शुरू करें। उससे पहले आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम की शानदार जीत पर बधाई दी है। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, यानी कि राजनीतिक जगत से ये जीत की बधाइयां मिलनी शुरू हुई हैं। टीम इंडिया ने कमाल धमाल कर दिया है। बजी पॉइंट्स टेबल में नंबर वन, वर्ल्ड चैंपियंस बनने की दिशा में आप आज की इस जीत को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण मैच होता है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कॉन्फिडेंस वाला मैच होता है। जो टीम जीतती है वो कॉन्फिडेंस उसका बहुत बढ़ जाता है, और जो टीम हारती है लगातार वैसे पाकिस्तान ही आ रही है, और आपने देखा है कि पाकिस्तान के फिर हौसले जो है वो उड़ जाते हैं। तो देखिए ये बड़ी जीत है, और जिस लिहाज की क्रिकेट खेल रही है भारतीय टीम तो जीत के बहुत, मैं कहूँगा कि दहलीज पे खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर है, क्योंकि जब टीम का मोमेंटम अच्छा हो, टीम का माहौल अच्छा हो, बल्लेबाजी आपकी फॉर्म में हो, गेंदबाजी फॉर्म में हो, तो फिर वर्ल्ड कप दूर लगता नहीं है। हाँ, आपको हर एक स्टेप पे खरे साबित उतरना है। आपके मैच जो है वो आगे न्यूजीलैंड के सामने भी होगा, साउथ अफ्रीका के सामने भी होगा, वो बेहतर टीमें हैं पाकिस्तान के सामने के लिहाज से अगर मैं बात करूँ कि पाकिस्तान से वो बेहतर टीमें हैं। वो मुकाबले थोड़े से कड़े मुकाबले होंगे, पर भारत तैयार है, और मुझे लगता है कि इस बार जो है वो कप भारत जरूर जीत सकता है, क्योंकि आप की तैयारी अच्छी है, आपके पास वो खिलाड़ी हैं जो लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, कि एक या दो मैच विनर्स के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर रहे हो, आपके पास वो टीम है, और वर्ल्ड कप अगर जीता जाता है वो टीम जिताती है, एक या दो इंडिविजुअल नहीं। वेरैस पाकिस्तान के पास मुझे लगता है कि वो शायद एक या दो इंडिविजुअल हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, बाकी की टीम उनकी उतनी अच्छी खेल नहीं रही, और दूसरी टीमें भी, ऑस्ट्रेलिया भी उतना अच्छा खेल नहीं रही है, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, दीज आर द थ्री टीम्स मुझे लगता है जो अच्छा खेल रही है, सही टाइम पे मोमेंटम में आ रही है। तो भारत मुझे लगता है कि काफी करीब है वर्ल्ड कप जीतने के। बिल्कुल बिल्कुल, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया। अहमदाबाद जाएं राहुल रावत के पास, हम उससे पहले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच पहली बात, और दूसरा ये रोहित शर्मा ने मदन सर और सुरेश ये कहा है कि हमें होश में रहना है और आगे बढ़ना। देखिए होश में रहना तो बड़ा ज़रूरी है। देखिए आगे बढ़ने के लिए तो आपको जो आपकी रणनीति है या जो आप प्लानिंग कर रहे हैं वो अगर वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं अंदर जाके मिडल में कर रहे हैं, तो आपको होश में रहना है। मैं माफ़ी के साथ आपको रोक रहा हूँ, जल्दी से अहमदाबाद में जश्न दिखा देते हैं, वहाँ पे देखिए बड़ा राहुल। जी 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 सईद भाई, जल्दी जी जी सईद भाई जल्दी, हाँ बताइए क्या कैसे कैसे उमंग, उत्साह, उल्लास, जोश, जुनून, क्या क्या है वहां पर? ये सईद भाई, ये यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, जहां तक आपकी नजर जाएगी मेरे पीछे जो है वो मेट्रो स्टेशन जाता है वहां, और आगे जो है आश्रम रोड, साबरमती आश्रम पड़ता है वहां, वहां तक आपको सिर्फ नीला दिखेगा। और ये सारी भीड़ जो है कहां जाएगी, मुझे लगता है कम से कम 70-80 हजार लोग जाएंगे इंडिया के टीम होटल। 1 लाख, बहुत आर, बहुत आर, बहुत बहुत मजा आया मेरे को, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया, और शिखर वीडियो ने बहुत मजा आया। इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस इन सब। क्या पाकिस्तान को आज आज उनको हमने हराया नहीं, थोया है। 2011 वाला जो सेमीफाइनल में हराया था, सेम इसी तरह हराया है। इंडिया
8-0 से वर्ल्ड कप के अंदर हिस्ट्री 100% इंडिया का वर्ल्ड कप 100% आएगा वर्ल्ड कप 19 तारीख को आप सब लोग यहीं पे मिलेंगे। यहीं पे हूँ मैं, 19 को भी आने गए, फतेह हासिल करनी है, जीतना है तो पाकिस्तान का धागा ही खोल दिया। हार्दिक पांड्या आई लव यू। आज तक हो या स्पोर्ट्स तक हो, हम सबको बताते हैं इंडिया ही जीतेगा वर्ल्ड कप। तो ये कप इसी स्टेडियम से इंडिया ही उठाएगी। देख लीजिए सही भाई, ठीक है, वो आत्मविश्वास बिल्कुल बिल्कुल उठाएंगे राहुल, बिल्कुल बिल्कुल वर्ल्ड कप यहीं से हम उठा के ले जाएंगे। देख रहे हैं सुरेश मदन सर, देख रहे हैं क्या हाल है, पूरा पूरा देश इस समय जश्न मना रहा है और हर जगह जहां जहां हमारे संवाददाता हैं, जहां से जो तस्वीरें आ रही हैं इसी तरह की आ रही हैं। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीम इंडिया की जीत पर बोले हैं कि देश के सबसे बड़े स्टेडियम में, जो कि उन्हीं के नाम पर है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है ये अहमदाबाद का, और टीम इंडिया को बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सबसे बड़े स्टेडियम में भारत ने मैच जीता है। सुनिए। पहले ही भारत ने अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही शानदार जीत दर्ज की है। मैं टीम भारत को, सभी भारतवासियों को इस ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत पर बधाई दी है राजनीतिक जगत से तमाम। देखिए रोहित क्या बोले हैं, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच को आम मैच की तरह लेते हैं, ये बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस है। इस पर हम हमारे एक्सपर्ट से बात करेंगे। हमारा फोकस हर विभाग में अच्छे प्रदर्शन पर था, हमने वही किया और सुरेश रैना सुबह से जबरदस्त तारीफ कर रहे हैं। हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि पहले से ही टीम हमारी फॉर्म में थी। रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि मैं 280 या 270 प्लस की उम्मीद कर रहा था और 290 से ज़्यादा की ये पिच नहीं थी, ये भी रोहित शर्मा ने कहा है। हमारे बल्लेबाज ही नहीं गेंदबाज भी कमाल रहे हैं। मदन सर, आप हमेशा एक बात करते रहे हैं, कहते रहे हैं बरसों से, जब से हम आपसे बात कर रहे हैं आप ये कहते हैं कि कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है और हर खिलाड़ी का, सुरेश मदन सर ये कहते हैं कि उसका थोड़ा थोड़ा प्रदर्शन अगर वो कर दे बेहतर, गेंदबाज 2-3 विकेट निकाल ले, कम रन दे दे, बल्लेबाज 30-40 रन कंट्रीब्यूट कर दे बढ़िया कम गेंदों पर, तो आप मैच जीत जाते हैं, मानते हैं आप, वो टीम इंडिया आपको दिखाई देती है सर। नहीं देखिए, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि हर मैच में कोई ना कोई जो है अपना किरदार निभाता है एज ए मैच विनर। बॉलर्स ने और बैट्समैन दोनों ही जो इन्होंने आज के मैच में अपना प्रदर्शन बहुत बहुत ही उन्होंने अच्छा किया है। और देखिए, जब आप एज ए टीम और एज ए टीम फॉर्म में हैं और अगर आप अच्छा मैच जीत रहे हैं तो दिखाई दे रहा है, दिखाई तो दे ही रहा है कि वर्ल्ड कप पर ये है थोड़ा बिट ऑफ लक। मैं समझता हूँ कि हमारी टीम जो है डेफिनेटली वर्ल्ड कप के बहुत बड़े दावेदार है। सर, मैं आपसे उसी बात पे, जो रोहित शर्मा ने एक बयान दिया था मैच ख़त्म होते ही, ये कहा था कि हमें जोश में रहना है और हमें आगे बढ़ना है, उस पर रिएक्शन लूँगा, लेकिन आपसे सुबह से जो हम बात कर रहे हैं सुरेश, आप जो बातें आपने कही रोहित शर्मा के बारे में, रोहित शर्मा ने अपने बयान में एक एक बात वही कह दी, ये क्या मामला है, आप दोनों ने कोई बात की थी क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप वो इतने साथ खेले हम लोग, और जो भजूपा बात कर रहे हैं, जो मदन सर ने भी बात करी, क्योंकि पता चल जाता, हम बात कर रहे थे 280 रन की, रोहित भी वही बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान ने मैच अपने हाथों से गवाया है, वो 155 पे 2, उसके बाद देखें वो रोहित शर्मा ना बड़ा अलग कप्तानी कर रहे हैं, बैटिंग देखिए कितनी जबरदस्त, जिस तरह से वो शॉट्स लगाया, जो हरीश रॉफ को कवर्स पे छक्का, फिर शाहीन शाह अफरीदी को जो पुल किया, हुक किया, जो कवर्स पे खेल रहे हैं, निराश जरूर होंगे, आज दूसरा लगातार शतक होता उनका, दिल्ली में बनाया था, अहमदाबाद में फिर बनाते वो, बट अच्छी लय में, और अच्छी बात है कि उन्होंने बोला कि हम शांत रहना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली अभी बहुत दूर है, क्योंकि अभी बहुत सारे मैचेस आने हैं, अच्छी अच्छी टीम आने वाली है और अभी ट्रैवल भी होगा, तो जितना प्रोसेस में बिलीव करेंगे, वर्ल्ड कप जब हम लोग खेले थे तो हमने काफ़ी, भजूपा और मदन सर भी जब जीते थे हम लोग साथ में सब लोग, तो प्रोसेस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो, आप आज हो गया ये गया हिस्ट्री बुक में, कल क्या करना है उसका नया तरीका है, नया प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, इसलिए रोहित शर्मा बहुत अच्छा कर रहे हैं सैयद भाई। बिल्कुल भजी, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात हो रही है, लेकिन आगे बढ़ना है, रोहित ने ये कहा कि हमें जोश में रहना है, आगे बढ़ना है,
इसको आप किस तरह से लेते हैं और आज की जीत हमें आगे बढ़ने अगले मैचेस में किस तरह से हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी? हाँ देखिए, रायना ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ये मैच गया अब हिस्ट्री में। इस मैच का आप जरूर जश्न मनाइए, ये जो उत्साह है आज का इसका बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि ये मैच सबसे कठिन होता है, सबसे प्रेशर वाला मैच इंडिया पाकिस्तान का होता है, चाहे सामने पाकिस्तान की टीम कैसी भी हो। बट एक सिंपल सी बात ये है कि ये मैच पीछे निकल चुका है, अब आगे का रास्ता जो है ये इस मैच से जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा उसको साथ में लेके आप आगे की तरफ बढ़ेंगे, और आगे शायद टीमें जो है साउथ अफ्रीका मिलेगी, न्यूजीलैंड मिलेंगी, वो इनसे बेहतर प्रिपेयर करके आएंगी और वो मुकाबले शायद कड़े भी हो सकते हैं। वहाँ हो सकता है भारत को एक आध मुकाबले में हार का मुंह भी देखना पड़े, पर ये एक बात सही है कि प्रोसेस में यकीन रखना चाहिए। बीटिंग पाकिस्तान इज नॉट विनिंग द वर्ल्ड कप। भारत पाकिस्तान को हर बार हराता है, बट भारत हर बार जो है वो विश्व कप नहीं जीतता है, विश्व कप दो ही बार जीता है। तो ये देखिए, 8 बार पाकिस्तान को हराया, 2 बार विश्व कप जीता, पर इस बार जरूरी ये होगा कि आप वर्ल्ड कप जीतिए। पाकिस्तान को तो हम हरा ही देते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वर्ल्ड कप जीतना जो है वो बड़ी बात होगी, और मैं उम्मीद करता हूँ ये टीम यहाँ से वो कॉन्फिडेंस लेके आगे की तरफ बढ़ेगी और वो रास्ता तय भी करेगी। ये आपने बहुत बड़ी बात की। देखिए, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं मुंबई के अहमदाबाद की, जश्न का माहौल है और यही माहौल पूरे देश में भी है। लेकिन मदन सर और सुरेश, हम आपसे समझ रहे हैं, भज्जी ने बहुत अच्छी बात कही, पाकिस्तान को तो हम हरा ही देंगे, क्या हमारी ये खुशी जो है ये हम लोगों में, आप में, हम में और हमारे भारतीयों में देखने को मिल रही है, या ये जीत आज आगे बढ़ने के लिए, मदन सर और सुरेश आप दोनों इस सवाल का जवाब दीजिए, आगे हमें बूस्टअप करेगी और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी? डेफिनेटली बढ़ाती है, हर जीत आपका आपको आपका आत्मविश्वास बढ़ाती है और आगे का रास्ता भी आपको कहते हैं ना, एक लाइन नज़र आती है कि हाँ हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। बाकी बज्जू ने बिल्कुल ठीक कहा कि देखिए, पाकिस्तान को हराना कोई वर्ल्ड कप जीतने वाली बात नहीं है, वर्ल्ड कप हमें जीतना है। पाकिस्तान तो एक टीम है, टीम को हमने हराया है क्योंकि हम वी आर अ बेटर टीम, तो वो अब हमारा जो लास्ट गोल है, अभी बीच में मैचेस हैं, जो गोल है वो वर्ल्ड कप जीतना है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये टीम जैसे परफॉर्म कर रही है, जैसे आगे जा रही है, डेफिनेटली कई चीज़ें जो रोहित शर्मा ने कही भी हैं वो बहुत एज ए टीम, एज ए क्रिकेटर, मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बातें उन्होंने की हैं। बिल्कुल सर, हम सीधे विक्रांत गुप्ता के पास आपको लिए चले। विक्रांत, आपके पास आए, उससे पहले रोहित शर्मा की एक और बात आ गई, कमाल की बातें आज रोहित शर्मा ने कही है। रोहित शर्मा ने कहा है, सुरेश, के हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होना है, हमें शांत रहना है और हमें पता है हमारे खिलाड़ियों को अपनी अपनी भूमिका पता है। हम इस पर रिएक्शन लेंगे आपका, लेकिन अभी सीधे विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर के पास आपको लिए चलते हैं। विक्रांत, वर्ल्ड कप अब हमारा है, आज की जीत के बाद आप क्या सोचते हैं? देखिए, इतना प्यार लोगों से मिला कि सिग्नल चला गया। मैंने सिग्नल आ गया, आ गया सिग्नल, आ गया। हम सुरेश लाल जी हैं, हरभजन सिंह, वो आप सब जानना चाहते हैं, वो हमें तो पता नहीं यार, क्या ये इंडिया की टीम वर्ल्ड कप जीत सकती है? जीतेगी, जीतेगी, जीतेगी यार, जीतेगी, इंडिया जीतेगी। 2011 विक्रांत, थोड़ी सी आपकी 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 आवाज में दिक्कत हो रही है, हम जरूर आएंगे। राहुल, राहुल अब तो बात ये यहाँ पर होने लगी है कि यही हमारी टीम है जो वर्ल्ड कप जीते की बात भी कर रहे हैं। राहुल, वहाँ देखिए लोगों से। बिल्कुल, आराम से, आराम से। अच्छा, वहाँ सईद भाई है, सईद भाई बोल पूछ रहे हैं आप लोगों से कि क्या ये इंडियन टीम इस बार वर्ल्ड कप अनबीटेबल रहेगी, कोई भी नहीं हरा सकता इसको, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, ये वर्ल्ड कप पूरा अनबीटेबल रह के जीतेगी। हमें हमारी इंडियन टीम पर, भारतीय टीम पर पूरा भरोसा है। एक चीज मेरे आप सबसे एक सवाल है कि आपको नहीं लगता इस विकेट पे अगर इंडियन टीम पहले बल्लेबाजी करती, मैं मानता हूँ क्रिकेट 400 बना के जीतते, तो भी मेरे ख्याल से 300 350 रन।
300-350 के पार हो जाता रोहित ने देखिए आप लोगों को इतना, रोहित आराम आराम से भी खेल सकते थे पर उन्होंने जो एंटरटेनमेंट किया है यहाँ पे 1,25,000 लोगों का, मतलब यहाँ पे मैं सही भाई बहुत लोगों ने बहुत महंगी महंगी टिकटें भी खरीदी है बट किसी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं है, मलाल नहीं है कि यार पैसे भैया जीत गए, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। रोहित शर्मा रन रेट बढ़ाने गए और नेट रन रेट कभी भी प्ले में आ सकता है, इसीलिए अनसेल्फिश पालीस हमारे लिए खेला है। भारत देश हमेशा से प्रथम था, प्रथम है, प्रथम रहेगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अहमदाबाद में जो जोश आप देख रहे हैं देश के हमारे विभिन्न शहरों में, इसी तरह का जोश देखने को मिल रहा है। हम आपको लखनऊ लिए चलते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी। देखिए पटाखे छूटने शुरू हो गए हैं, दिवाली मन रही है देश में। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, कैसे जश्न मनाया जा रहा है लखनऊ में, बताइए। देखिए बिल्कुल सही, जैसा उत्साह आपने मुंबई और अहमदाबाद में देखा है वैसे उत्साह लखनऊ में भी है। लखनऊ के तमाम यहाँ के जितने भी युवा हमारे साथ में जोश आए हैं। क्या लगता है आज मैच में सबसे अच्छा पॉइंट क्या था? बैटिंग शानदार की इंडिया ने, शानदार बैटिंग जसप्रीत बुमराह, बॉलिंग में नंबर वन, बाप बाप होता है। आपको क्या लगता है? रोहित शर्मा बहुत बढ़िया खेले आज, जितना भी खेले बहुत अच्छा खेले आज। आज टीम इंडिया पूरे प्लानिंग के साथ खेली, इसलिए पाकिस्तान कोई गलती का मौका आज नहीं दिया हमने, क्या मौका आज नहीं दिया हम लोगों ने। पाकिस्तान कहाँ पर चूक गया, क्या शुरू से पूरा ग्रिप था मैच, शुरू से पूरा इंडिया ही जीतने वाली थी, फिक्स था। रोहित शर्मा ने जो आज खेला है 86 रन मारे हैं, इंडिया ही जीतेगा, वर्ल्ड कप इंडिया ही ले रहा है इस बार, इंडिया वर्ल्ड कप हमारा है, वर्ल्ड कप हमारा। आपको क्या लगता है, क्या कहां पर अभी वीक पॉइंट अभी भी है कि नहीं सब ठीक चल रहा है? मुझे लगता है जो दिक्कतें हैं अभी फास्ट बॉलर और स्पिनर में, 7वें नंबर के बल्लेबाज को लेके, उसमें अभी भी इंडिया को एक और थिंकिंग लेनी चाहिए। और मुझे लगता है और प्रिसाइजली ये चुनाव करना चाहिए कि किस पिच पे कहाँ टर्न हो रही है और कहाँ नहीं हो रही है। क्या कमी लगी, कोई कमी लगी आज मैच में कि सब कुछ? बिल्कुल नहीं कमी लगी। ठीक है अभिषेक, दोबारा आते हैं आपके पास और बातचीत आपसे करेंगे। हम अलग अलग शहरों में लिए जाएं, हम सुरेश रैना और मदनलाल जी से उनका रिएक्शन भी लेते रहें। आप दोनों से हम बात करें, हमास के जो राजदूत हैं सर सुरेश अपने देश में, उनका बयान आ गया है और ये महत्वपूर्ण राजनीतिक बयान है। विश्व पटल पर अगर इसे देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है मदन सर। उन्होंने ये कहा है कि ये जो जीत है वो हमास के आतंकवादियों को पाकिस्तान समर्पित नहीं कर पाया। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है एक बहुत बड़ी राजनीतिक खबर है, इसका असर होगा, यानी कि पाकिस्तान को सीधे सीधे आतंकवादियों का हमदर्द यहाँ पर इसराइल के राजदूत ने बता दिया है और पाकिस्तान को एक बार फिर से दुनिया के सामने बेनकाब किया है। हमास वो फलिस्तीन का आतंकवादी संगठन जिसने इसराइल पर हमला किया था, उसको पाकिस्तान से जोड़कर इसराइल के जो राजदूत हैं उन्होंने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। फिर से क्रिकेट पर लौटते हैं हम, आप दोनों से मदन सर और सुरेश इस पर बात, रोहित शर्मा पर बात करना चाहेंगे। क्या हमें नया पॉलिटिकल सवाल तो नहीं पूछ रहे ना, पॉलिटिकल से हटकर नहीं, पॉलिटिकल क्या हमें नया, क्या हमें नया कैप्टन कूल मिल गया है जो परफॉर्म भी करता है, जो सही, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें कही। हमें होश नहीं खोना है, हमें जोश में रहना है, हमें आगे बढ़ना है, हमारी टीम संतुलित है, हम दोनों। लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन अनमोल, दिल्ली में जश्न की तस्वीरें दिखाइए। आपको मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा, मैं कनॉट प्लेस में हूं, दिल्ली के दिल कहवानी जगह में, और जहां मैं जब आया था, जब मैच का आखिरी फाइनल मूवमेंट था, जो लोग थे उन्होंने टकटकी लगा के कैमरे की तरफ देख रहे थे, तो आप देख सकते हैं लोगों की शक्ल की तरफ, लोगों की खुशी वंदे मातरम, देख सकते हैं नारेबाजी भी चल रही है, लोगों में अलग ही खुशी है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ये बताइए कि कौन से ऐसे प्लेयर की जो परफॉर्मेंस थी आपको बढ़िया लगी इसमें? सारे प्लेयर जबरदस्त थे हमारे, रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने हैट्रिक मार दी, जीत की हैट्रिक मारी हमने। और पाकिस्तान को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग हमारे सराहनीय सब कुछ है, लेकिन कोहली की तारीफ, मैं आप प्लेयर के कोहली जी की तारीफ बहुत करनी चाहिए, उन्होंने एक रन वो विकेट तक पहुंचने के लिए अपनी टी शर्ट पूरी ब्लैक कर ली, घसीटते हुए पूरी हनुमान जी की तरह उड़ते हुए गए बिल्कुल विकेट के पास, जबरदस्त, प्लीज क्लैपिंग, एवरीथिंग इज क्लैपिंग रोहित कोहली जी। कौन सा रोमांचक मोड़ था मैच का जो आपको सारी उम्र याद रहेगा?
रोहित शर्मा की अटैकिंग बैटिंग और बाबा आजम की जो विकेट, रिजवान और बाबा आजम की अच्छी बैटिंग। ठीक है, प्लस हो जाएगा। अनमोल आप बात करते रहिए, हम आपके पास दोबारा आते हैं क्योंकि पूरे भारतवर्ष से हमारे संवाददाता जगह जगह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तस्वीरें दिखाते रहिए, बात करते रहिए, हम आपको दिखाते रहेंगे। और ये लीजिए, ललित हमारे साथ हैं, बड़ा सा फ्लैग पीछे, झंडा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा। ललित, कितना जोश, कितना जुनून और किस तरह से आप आज जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल सही, अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, सिटी ब्यूटीफुल की, तो यहां पर भी जो जोश है बिल्कुल हाई था। कारण है क्योंकि इंडिया ने जो रिकॉर्ड है उसको मेंटेन किया है। आठवीं बार भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में पूरी तरह से शिकस्त दी है। इस वक्त हम चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि फैंस अभी भी जो तिरंगा लेकर हाथ में जो भारत की जीत है उसका जश्न मना रहे हैं। यंग फैंस है, उन्हीं के पास ले चलते हैं। आज के मैच को किस तरह से आप लोगों ने देखा और क्या आपको लगता है कि भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया आज उस मैच को? जी बिल्कुल सर, भारत ने पूरी तरह से डोमिनेट किया आज पाकिस्तान को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जो मैच रहता है हमेशा ऑलवेज हाइप पे रहता है। सो आज भी ठीक वैसा ही हुआ। हमारे जो बॉलर्स थे स्टार्टिंग में बॉलिंग करते हुए, उन्होंने बहुत अच्छा डोमिनेट किया। सारे बॉलर्स ने दो दो विकेट ली और फिर उसके बाद जब बैटिंग की बारी आई तो बैटिंग में भी हमारे ओपनर्स ने बहुत अच्छा किया। स्टार्टिंग में गिल और विराट थोड़ी जल्दी आउट हो गए, बट रोहित शर्मा ने जो 86 रन बनाए उसकी वजह से हमें बहुत अच्छा स्टार्ट मिला एंड इन दी एंड हम उसी की वजह से मैच भी जीते। एक चीयर अप हो जाए, फिर और लोगों से बात करेंगे। भारत इंडिया के लिए जो आज मैच जीता है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ललित दोबारा आते हैं आपके पास, ललित दोबारा आते हैं, आप वहाँ बने रहिए हमारे साथ। और ये देखिए, हमारे सारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, मदन सर और सुरेश। सुरेश, हम आपसे समझना चाह रहे हैं, एक मैच्योर्ड कैप्टन हमें मिल चुका है, एक ऐसा कैप्टन जो इतनी बड़ी जीत पर बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है, संभल कर बोल रहा है, जोश नहीं, होश में रहना है, आगे बढ़ना है, हर खिलाड़ी को पता है उसे क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे आपने पहले सईद भाई बोला, मिस्टर कूल मिल गए हमें। हमने देखा 2011 में धोनी भाई जीते, 2007 में जीते ICC चैंपियंस ट्रॉफी, हम 2013 में जीते। और रोहित का भी ना जो ऑरा है वैसे ही है, वो टीम कैप्टन है, वो टीम कैप्टन है, इसलिए वो बॉलर्स का कैप्टन है, वो टीम की बॉन्डिंग जानता है। वो आप देखेंगे IPL में मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है। इंडियन टीम में देखिए, आज नंबर वन पे हम आ गए हैं और जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, फ्लॉलेस बैटिंग कर रहे हैं, फियरलेस इंटेंट है, एटीट्यूड टुवर्ड्स जो रेस्पेक्ट है टीममेट्स का वो बहुत अच्छा है। आज बीच में जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उसमें रोहित, अश्विन आए, सब बातचीत कर रहे हैं कि वो क्वालिटी होती है प्लेयर्स की। जब आप रन बनाते हो, जब आप अच्छे लिसनर होते हो ना, तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको पता चलते हो। हमने धोनी भाई में देखा, हमने कपिल पाजी में देखा जब मदन सर जीते वर्ल्ड कप, और भज्जूपा ने बहुत अच्छा बात बोला उधर कि हम हमेशा पाकिस्तान को हराते हैं लेकिन अभी तक हम 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। तो ये वर्ल्ड कप में जो आप बात करो, शांत रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी बहुत बड़ा प्रोसेस बाकी है, अच्छी बेस्ट टीमें आने वाली हैं, उसके बाद आप देखेंगे ये हिस्ट्री में चले गया मैच 8-0, अब ज़िंदगी भर याद रहेगा जब तक 50वां ओवर का वर्ल्ड कप नहीं आएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट ये होगा कि किस तरीके से हम आने वाले मैचेस अच्छा खेलते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा वो। बिल्कुल मदन सर आज हमें सवाल नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जब टीम इंडिया लचर या कमज़ोर प्रदर्शन करती है तो हम बहुत सारे सवाल आप लोगों से पूछ लेते हैं। आज तो ये है कि किसके बारे में क्या पूछें, अच्छी बात है ना? हाँ, नहीं लेकिन लेकिन आज आप सवाल नहीं, लेकिन आप भी देखिए, आप भी हमारे खिलाड़ियों को क्रिटिसाइज करते हैं, आप भी बोलते हैं कि इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। मैंने पहले भी कहा है, क्रिटिसिज्म इज पार्ट ऑफ द स्पोर्ट्स। अगर कोई गलत खेल रहा है तो आप उसको अच्छा कैसे कह सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन आज आपको बैलेंस लग रही है पूरी टीम, हर खिलाड़ी को बैलेंस क्या, इससे अच्छा बैलेंस हो ही नहीं सकता। और जैसे आपके बॉलर परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सुरेश ने बात की है कैप्टनसी की, मैंने ऐसा बैट्समैन देखा ही नहीं। मैंने बड़े बैट्समैन देखे हैं, खेले भी हैं, मैं अगेंस्ट खेला भी हूँ, पर मैंने ऐसा क्लीन हिटर ऑफ द बॉल मैंने कभी बैट्समैन मैंने नहीं देखा। कितनी आसानी से मारता, एक देखा था आपने, अंपायर उससे पूछ रहा था कि हाउ यू हिटिंग दिस सो फार, वो दिखा रहा था पर वो मसल नहीं थे, मसल तो वेस्ट इंडियन के पास होते हैं, बट ये तो वेस्ट इंडियन से भी आगे निकल गया। नहीं, बहुत और इतनी क्लीन हिटिंग मैंने नहीं कभी देखी। हम ऐसी मजेदार राहुल बुला रहे हैं सीधे अहमदाबाद से, राहुल आवाज लगा रहे हैं। राहुल क्या हो रहा है बताइए भाई, सॉरी लेट हो गए आपके पास आने में।
राहुल रावत थेपला और खाकरा मंगा लिए वहां से। अच्छा अच्छा सुरेश रैना की फरमाइश है भैया, राहुल बिल्कुल देरी नहीं हुई है सईद भाई। आज सुरेश रैना फरमाइश कर रहे हैं आपसे, जी 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 खाली हाथ मत आइए अहमदाबाद से, क्या क्या चाहिए आपको बताइए। फाफड़ा खाकरा थेपला चाहिए से, बोलिए बोलिए। फाफड़ा थेपला थेपला सुरेश रैना कह रहे हैं कि उनको बाकी अहमदाबाद वाले लोगों से पूछ लो, फाफड़ा थेपला और कौन भिजवा रहा है मेरे खातों? अरे लेके मैं जाऊंगा, लेने नहीं आपने नहीं ले जाना, लेके मैंने जाना है उनके लिए। और सुरेश रैना देखिए आप कोई, सुरेश रैना आखिरी वर्ल्ड कप विनर जो हिंदुस्तान में हुआ था, कुछ कहना चाहेंगे सुरेश रैना? उनकी जो पाकिस्तानी खिलाफ जो इनिंग थी लास्ट में, जो मोमेंटम दिया था उन्होंने वो जबरदस्त था सुरेश रैना। क्वार्टर फाइनल में भी मत भूलिए जो ऑस्ट्रेलिया में सुरेश रैना ने पारी खेली थी युवराज सिंह के साथ, वो लगता है कि वो तो मैच जब इवेंचुअल स्कोर देखते हैं बड़ा आसानी से खत्म हो जाता है, बट वो मैच जीतना था और जिताया किसने था बाद में? युवराज सिंह और सुरेश रैना। स्ट्रेट पे ब्रैडली बिल्कुल, तो रैना आपको वहाँ से बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं। फ्रीज हो गया वहाँ से, ऑडियो भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपने मंगवाई लिया इतना सारा सामान तो मदन जी और हम भी शामिल हैं उसमें। बिल्कुल कहेंगे हम। अनिर्बान क्या हो रहा है कोलकाता में भाई, भीड़ बढ़ती जा रही है आपके पीछे, बताइए। एकदम देखिए अभी जो हौसला है मनुष्य के सारे बुलंद है, और जो फेफड़ा ढोकले की बात हो रही थी तो मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के लिए थोड़ा माच भात भी दिला दूं क्या, कि पाकिस्तान के लिए माच भात भी हो जाए, तो इससे पहले कि मैं आप उनको खिलाइए, यहाँ यहाँ की जो फैंस है वो सारे सुरेश रैना जी के लिए क्या भिजवा रहे हैं? जरूर जरूर मदन सर के लिए तो इलिश माच जरूर भिजवाएंगे, और सुरेश रैना जी के लिए भी इलिश माच और चिंगड़ी माच जो है वो जरूर भिजवाएंगे। अभी इंडिया की जो फैंस है सारे हौसला इन लोगों के बुलंद है अभी। तो भाई आज जैसी मैच जीती है तो कैसी लगी मैच? ये मैच कैसे नहीं सुना, इतनी मैच जीत पाएगा इंडिया ये सोचा था? मैं कभी भी सोचा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छा टीम है, बहुत बढ़िया टीम था, तो बहुत अच्छा बॉलर भी है, मगर ऐसा है जो इंडिया बैटिंग इतना क्राउड का सामने है, पाकिस्तान कभी खेला नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और इंडिया का टीम बहुत अच्छा है, ये फिर से प्रूव हुआ है। ठीक है अनिर्बान, आते हैं दोबारा आपके पास। लेकिन ये जो अहमदाबाद की तस्वीरें आ रही हैं मदन सर और सुरेश, वो अद्भुत हैं। देखिए ना क्या दिवाली मन रही है वहाँ पर। विक्रांत गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई। विक्रांत कब से इंतजार कर रहे हैं, कहाँ गायब हैं आप? आपकी गमी खल रही थी, ओवर टू यू, बताइए। मैं सईद भाई मैं एक ऐसी जगह था जहाँ ऐसा लगा कि 1,00,000 लोग मेरे साथ थे, हालांकि मतलब इस तरह का माहौल तो आप नहीं ऑब्जर्व करते हैं, बट वो नेटवर्क हमारा जाम हो गया, और मैं स्टेडियम से 1 किलोमीटर दूर आया हूँ, और मुझे लगता है 1,00,000 यहाँ भी नेटवर्क प्रॉब्लम। बिल्कुल सर, इतना ग्राउंड था, इतना ग्राउंड था, और रोहित शर्मा का बैटिंग क्या गजब का था, मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, कोई वर्ड्स ही नहीं है कहने को हमारे पास। कुछ तो बोल दीजिए, अगर वर्ड्स नहीं तो आए क्यों आप? रोहित शर्मा, भारत ने पाकिस्तान को 8वीं बार हरा कर ये साबित कर दिया इंडिया इंडिया है, इंडिया इंडिया है। हम बार बार कोशिश कर रहे हैं कि विक्रांत से कनेक्ट हो जाएं, लेकिन वहां पर नेटवर्क की प्रॉब्लम। देखिए इन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे, देखिए अहमदाबाद में वहां पर आतिशबाजी हो रही है, भारत के झंडे लहरा रहे हैं, ये वाली तस्वीर। एज ए प्लेयर आप दोनों को कैसा लगता है जब पूरा देश आपके लिए खुश होता है? ये बड़ी आशीर्वाद मिलता है और टीम यूनिटी होती है, जैसे आपने बोला कि प्रधानमंत्री सर ने ट्वीट किया और उसके बाद बधाई दिया रोहित शर्मा को, अमित शाह सर वहाँ पर थे, जय भाई वहाँ पर थे, और सबसे अच्छा लगा कि 2011 वर्ल्ड कप में हम जो क्वार्टर फाइनल जीते थे यहाँ पर, ऐसे जश्न था अहमदाबाद में, ऐसे ही लोगों की, क्योंकि लोगों की दुआएं लगना बहुत ज़रूरी है, लक फैक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये टीम स्पोर्ट्स है, जब ऊपर वाले की दुआ मिलती है तो दुआओं वो अलग काम करती हैं, कभी एक अच्छा स्पेल गिरता है, कभी आप अच्छी पार्टनरशिप करते हो, तो ये दुआओं का खेल है, क्योंकि दुआ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है,
जब आप ऊपर वाले से कुछ मांगते हो, पूरे देश के लिए मांगते हो, तो वो सब एकजुट में जा रहे हैं। इसलिए रोहित शर्मा ने जो बोला, हमें शांत रहना है, अभी बहुत बड़े मैचेस आने वाले हैं, बड़ी टीमें आने वाली हैं। वही मदन सर बात कर रहे हैं, वो आप भी बात करो, लेकिन आज की जो मैच में ना वो मज़ा नहीं आया। हम सोच रहे थोड़ा एक्साइटमेंट होगा, सैटरडे था आज, थोड़ा सब लोग एकदम जोश में अपने अपने घरों में स्क्रीन लगा के बैठे थे और इंडिया ने पूरा डोमिनेट किया, पहली बॉल से लेके जब तक चेस कर रहे थे। पूरे फैंस ने पैसा वसूल किया, एंजॉय किया, रोहित शर्मा ने जबरदस्त बैटिंग, लेकिन पाकिस्तान क्या इस हार के बाद उभर पाएगी? क्योंकि नेक्स्ट 3 मैचेस वो चेन्नई में खेलने वाले हैं, जो डिफिकल्ट सरफेस है, एक बैंगलोर में, 2 चेन्नई में, और बड़ी टीमों से। क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान को हरा सकती है? ये भी बड़ा सवाल होगा आने वाले, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम ने इंडिया की बॉलिंग अटैक 272 रन बनाया था। अगर चेन्नई में 250 रन बना तो मुझे लगता है पाकिस्तान को मैच हार सकती है। पूरे देश में जश्न आचार, देखिए नागपुर, पटना, अहमदाबाद, सूरत, और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो सिर्फ इसी तरह के जश्न की तस्वीरें हैं। आज शनिवार है, शनिवार की रात है, वैसे भी लोग जश्न मनाते हैं, अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं, छुट्टी का दिन है, लेकिन आज टीम इंडिया ने हमारे देशवासियों को दिवाली मनाने की खुशी दी है। आज हमारे देशवासियों को एक ऐसी खुशी दी है कि वो घरों से बाहर निकल गए हैं, वो बाहर जा रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और ये जोश और जुनून और जश्न की तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों में मौजूद हैं, हम लखनऊ अभिषेक मिश्रा के पास आपको लिए चले। उससे पहले मदन सर, एक रिएक्शन आपका छोटा सा, क्योंकि आज तो खुशी की बात है, आज हम कुछ भी बात अगर आपसे करेंगे तो लोग नाराज़ हो जाएंगे कि विश्लेषण आप बाद में कर लेना, आज हमें खुशी मनाने दीजिए। लेकिन आपको लगता है कि हम बहुत तेज़ी से और बहुत मजबूत दावेदार वर्ल्ड कप के इस टीम के साथ? देखिए, खुशी तो मनानी चाहिए। देखिए, ये दर्शक ही है जो आपको एक जब हम जीतते हैं तो वो आपके आपकी जो आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपकी सराहना करते हैं, और ये तो डेफिनेटली मैं समझाऊँ कि इंडियन टीम बहुत ही अच्छा प्रदर्शन जैसे कर रही है, डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि वो वर्ल्ड कप जीत सकती है इस बार। ये जैसे सुरेश ने कहा, थोड़ी लिटिल बिट ऑफ लक आल्सो चाहिए आपको, एट द राइट टाइम यू क्लिक, एट द राइट टाइम विकेट एक राइट टाइम पे मिल जाते हैं तो आपका जो है ना मोमेंटम बना रहता है। पाजी तो लक की बात कर रहे हैं, जब पाजी ने वो बॉल डाला था मिड विकेट पे, पाजी भाग के पीछे विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था कपिल पाजी, तो वो लक नहीं था, लेकिन पाजी के साथ जब कपिल पाजी खड़े थे तो वो गेम चेंजिंग मोमेंट था वर्ल्ड कप का। बिल्कुल, 83 में वो ब्रिलियंट कैच होगा पूरा वर्ल्ड कप का अच्छा मोमेंट। 83 में मैं तो 86 में पैदा हुआ था। मैं तो अभी बोलने वाला था, मैं अभी बोलने वाला था, बट दैट इज द थिंग ना, यू नीड अ बिट ऑफ लक। बिल्कुल, वो मैजिक मोमेंट चाहिए, जैसे आज कुलदीप यादव ने किया, उससे पहले भजूपा ने किया, बहुत सारे बड़े बड़े लेजेंड ऑफ द गेम ने किया, तो वो लक फैक्टर जैसे हम बात करें वो बहुत जरूरी है। देखिए, आप दोनों का होना यहाँ इसीलिए मज़ेदार है कि मज़ेदार किससे आप सुना रहे हैं, पुरानी याद आपने ताज़ा कर दी, मदन जी को भी अच्छा लगा होगा, हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए एकदम से। अभिषेक भाई, जिस तरह से आपके साथ लोग हैं, अहमदाबाद, दिल्ली, कोलकाता, हर जगह से, मुंबई, हर जगह से हमारे साथी रिपोर्टर्स हैं। सुरेश रैना ने कहा ये भारतवासियों की दुआएं ही हैं जो हमें बड़े से बड़ा टूर्नामेंट वर्ल्ड कप जिताएंगी। क्या अब वर्ल्ड कप हमारा है? लखनऊ के लोग कितनी दुआ, कितनी प्रार्थना टीम इंडिया के लिए कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल शायद पूरा जोश हाई है और सबको लगता है कि भारत ही इस बार जो है वो वर्ल्ड कप लेकर के जाएगा, और क्या बड़ी बात नहीं हो सकती, कितना जोश आई है, भारत वर्ल्ड कप लेके जीतेगा, इस बार जीतेगा भारत जीतेगा, और ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, 8वीं जीत है, ये हमारे लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है। इससे बड़ी इंडिया का है, इंडिया जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप। शुरुआत देख के लग रहा है कि भारत जरूर जीतेगा इस बार वर्ल्ड कप। में पूरा है, अंक तालिका में ऊपर आ चुका है, पूरा डोमिनेंस के साथ जीता है इस बार इंडिया, पूरी तरीके से मैच में पाकिस्तान नहीं था कहीं भी। बैटिंग शानदार चल रही, किस पे काम कर रहा है? देखिए, सारी हम लोग सर विभाग में सबसे एक नंबर चल रहे हैं, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर को हटा करके मुझे मोहम्मद शमी को खिलाया जाना चाहिए, वो स्क्वाड में है, उनको मौका देना चाहिए। पाकिस्तान को कोई मौका नहीं दिया, कोई मौका नहीं, बुमराह ने तो पाकिस्तान को टोटली गुमराह कर दिया, गुमराह कर दिया आज। एक बार भारत माता की जय। आपको क्या लगता है, बड़ी जीत थी आज? आज की जीत तो बहुत जरूरी थी जो है,
और क्या कहते हैं, ऊपर आ गए आप। हाँ बिल्कुल, सबसे ऊपर आए हैं और सबसे ऊपर बने रहना है हमें। पाकिस्तान का कहीं चांस लग रहा था आपको, लगता है? बिल्कुल नहीं, कहाँ इंडिया कहाँ पाकिस्तान, कहीं चांस बेटा जी सकता क्या बाप से। जैसे एशिया कप में हम लोग ने ट्रॉफी ली, पाकिस्तान को धूल चटाया, वैसे वर्ल्ड कप में भी दोबारा धूल चटाएंगे और फाइनल भी मैं चाहूंगा पाकिस्तान का। इंडिया पाकिस्तान एक बार फिर देखना चाहते हैं? यस, फाइनल चाहते हैं, फाइनल इंडिया जीतना चाहता होगा और इंडिया इस बार 9-0 से आगे होगा। बहुत हाई सेंटीमेंट है शायद आपने सुना, और क्या कुछ कहना है, सबको लगता है कि एक बार फिर से हो भारत और पाकिस्तान, लेकिन फाइनल हो और भारत एक बार फिर से जीते। जी बिल्कुल 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 सही बात है। तो लखनऊ में आपने देखा देश भर में जश्न मनाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। एक बार फिर से हम आपको जल्दी से दिल्ली लिए चले अनमोल, दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में। नए साल का जश्न बड़ा अद्भुत होता है, क्या आज वैसा ही कुछ आपको लग रहा है कनॉट प्लेस में? सैयद, इस समय मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे जो लोग हैं तिरंगा हाथ में पकड़ के खड़े हैं और साथ के साथ मिठाई बटनी भी शुरू हो चुकी है। हिंदुस्तान भाई साहब, ये जीत 140 करोड़ लोगों की जीत है, इसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर आदमी जीते हैं। और कुछ पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि जीतना नामुमकिन है। एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम एक सनी देओल से नहीं भिड़ पाए, यहाँ 140 करोड़ सनी देओल घूम रहे हैं। और आज हमारे 11 योद्धाओं ने दिखा दिया, और मोहम्मद सिराज ने ऐसा सिराज दिखाया कि भैया चाकते फट्टे नापते गिल्ली सवेरे जलंधर शाम में। तो आप यहीं से समझ सकते होंगे कि लोगों में कितना उत्साह है, भैया फट रहे हैं। हमारे साथ एक सीनियर कैप्टन ने बोला है कि अभी हमें सब्र रखना है, उस पर आप ध्यान देंगे। रोहित शर्मा जी ने बोला है कि हमें अभी सब्र रखना है, लेकिन हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनमें उत्साह है, वो नारे लगा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ऐसी जीत के पीछे आ जाएगा, ऐसी जीत के फाइनल में आप किसके साथ मुकाबला देखना चाहेंगे? फाइनल में मैं तो न्यूजीलैंड के साथ से देखना चाहूंगा। लास्ट टाइम हम न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल हारे थे। हम फाइनल में चाहते हैं कि फाइनल में फिर एक बार पाकिस्तान हिंदुस्तान से भिड़े और हम पाकिस्तान को फिर इससे भी बदतर हार दिलाना चाहते हैं। ठीक है अनमोल, अनमोल दोबारा आते हैं हम आपके पास, लेकिन एक सवाल आ गया। देखिए ये जो फैंस होते हैं हम लोगों को सवाल भी दे देते हैं, क्या फाइनल में फिर से इंडिया पाकिस्तान भिड़े, और भिड़े तो क्या हम पाकिस्तान को उतना ही हाई रेट अप कर पाएंगे? ये हम आपसे रिएक्शन लेंगे। इस वक्त सीधे राहुल रावत। राहुल कमाल है, आप लगातार भीड़ में घिरे हुए हैं, बात कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, वहां से हमें भी सुनवाइए ना भाई, क्या बात कर रहे हैं आप, क्या क्या कैसे खुशी मना रहे हैं? टीमें अब दहशत में रहेंगी। अच्छा शर्मा से सईद भाई, मैं आपको दो चीजें अभी दिखाऊंगा, एक चीज सुनाऊंगा और एक चीज दिखाऊंगा। मुझे याद है पिछले मैच में सुरेश रैना जब स्टूडियो आए थे हमारे, उन्होंने भांगड़ा किया था, वो नाचे थे यहाँ पे। इन लोगों के तब से ये बोल रहे हैं कि भाई आप नाचना, दो लेजेंडरी नाच नाच के कौन दिखाएगा? सुरेश रैना वहां देख रहे हैं, आपके नाम पे नचा दिया राहुल ने सबको। और जैसा मैंने कहा था, दूसरी चीज सुनाने वाली हूँ, ये थी दिखाने वाली, सुनाओ, सुनाओ। अब दूसरी चीजें सुनाने वाली हूँ। चलिए अब भाई अटल, सबसे पहले तो सभी भारत वर्ष के प्रेमियों को भारत की जीत की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अरे भाई रुक जाओ। नीली है जर्सी जिनकी जो छक्कों में बात करें, नीली है जर्सी जिनकी जो छक्कों में बात करें, ऐसे हैं हिटमैन अपने जो पाकिस्तान का खस्ता हाल करें, ऐसे हैं हिटमैन अपने। और जब हिटमैन चल जाते हैं तो स्कोर बड़ा बनाते हैं, जब हिटमैन चल जाते हैं तो स्कोर बड़ा बनाते हैं, हिटमैन के छक्कों से पाकिस्तान के होश उड़ जाते हैं। जय सियाराम भारत। ये गाना आपने सुबह से कितनी बार दोहरा दिया है, आपका तो गला बैठ चुका है यार, आपका तो गला बैठ चुका है, इतनी बार दोहरा दिया लग रहा है गाना। हाँ जी पंडित जी, ओए पंडित जी आए, पंडित जी नहीं आपने गला बैठ गया आपका, हमारा बैठ गया है, गला दुखने की हमें चिंता नहीं है जी, लेकिन पाकिस्तान वालों से हार के उतर ही नहीं पाए। हाँ जी आप भी आ जाइए, जो
पहली बार देखा है क्रिकेट मैच स्टेडियम में? दूसरी बार आज ज्यादा मजा आया, पिछली बार ज्यादा मजा आया था? ये बार पाकिस्तान को हरा दिया। हाँ। पिछली बार भी आपकी टीम जीती थी? देख लीजिए सईद भाई, यहाँ पे अगर आप मुझे सुबह के 3 या 4 बजे तक रखेंगे यहाँ, यही हाल होगा, कमी नहीं मिलेगी, कम नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल, एंटरटेनमेंट की भी कमी ना मिले। ये बात बिल्कुल ठीक है राहुल, हम आपका अभी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम बार बार आपके पास आएंगे, एक बार फिर से कोलकाता, दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़ का रुख करें, ललित के पास आपको लिए चलते हैं। ललित शर्मा चंडीगढ़ से लगातार हमारे साथ हैं। ललित, क्या हो रहा है, कुछ जोश कम पड़ा या और हाई हो गया? देखिए सईद, अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की तो यहां पर भी जो जोश है पूरी तरह से हाई है। खास तौर पर अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो इस वक्त है मार्केट धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाती है, लेकिन जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को पटकनी दी है उससे जोश है पूरी तरह से हाई है। फैंस अभी भी लगातार यहां पर जो जश्न है वो मना रहे हैं, टी शर्ट डाल रखी है, हाथों में झंडे ले रखे हैं, और खास तौर पर अगर मैं बात करूं इस मार्केट में एक बड़ी स्क्रीन है वो लगाई गई थी। फैंस के पास लिए चलते हैं सईद, पहले आज का मैच कितना एक्साइटेड रहा, कितना मजा आया? बहुत बढ़िया मैच रहा, इंडिया ने पूरी तरह पाकिस्तान पे डोमिनेट किया, और यहाँ पे स्क्रीन लगी थी और लोग एकदम, मतलब लगा लो आप 200-300 लोग इकट्ठे होके यहाँ पे मैच देख रहे थे, और एक हम इसको एक मिनी स्टेडियम बना दिया था यहाँ पे, और बहुत मजा आया, और इंडिया ने टोटल डोमिनेट किया आज पाकिस्तान पे, टोटल डोमिनेट किया भारत की। जिस तरह से आप ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, जिस तरह से इंडिया लगातार स्पिरिट उसका हाई है, क्या लग रहा है इंडिया वर्ल्ड कप इस बार पक्की तरह से लेकर आ रहा है? जी बिल्कुल, एक स्ट्रीक बनी रही हमारी पाकिस्तान इंडिया की, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 8-0 की स्ट्रीक हो गई है, वर्ल्ड कप तो है ही हमारा, जिस हिसाब से इंडिया की टीम फॉर्म में है, बैट्समैन बॉलर सारे फॉर्म में है, बिल्कुल जो वर्ल्ड कप है वो हमारा ही है, और ये मार्केट। एक और फैन हमारे साथ है, बहुत देर से इंतजार करे, एक बार उनके पास भी ले चलते हैं। क्या कह रहे हैं, आपने बड़ी देर से इंतजार कर रहे हो? आज इंतजार क्या, ऐसा लग रहा वर्ल्ड कप आज ही जीत गए हम तो। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बस देखिए सईद, ये फैंस का यहाँ पर क्रेज है जो अभी भी अगर हम बात करें पूरी तरह से एक्साइटेड है। सईद, एक छोटा सा रिएक्शन और लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, डोमिनेट किया, और मतलब जहाँ पे हमारे बॉलर्स ने इतना अच्छा परफॉर्म किया उनको मतलब प्रेशराइज रखा, रन आए नहीं, मतलब उनकी तरफ से तो एक साइडेड मैच था इंडिया की तरफ से, मजा आ गया मैच को देख जी, मतलब भारत माता की ललित आते हैं दोबारा आपके पास। यहाँ की बात करें पूरी तरह से जो जोश है, आठ जीरो जिया वर्ल्ड कप में 8वां मैच आज टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान को बुरी तरह से धोया है। दो वर्ल्ड चैंपियन मदन लाल जी और सुरेश रैना हमारे साथ हैं, दोनों से हम लगातार उनका विश्लेषण उनके साथ इस मैच का कर रहे हैं, उनका रिएक्शन ले रहे हैं। देश भर में जश्न का माहौल है, जिन लोगों ने अभी टीवी ऑन किया है उन्हें बता दें कि पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने, 292 रन। किस तरह से टीम इंडिया ने सिर्फ 30 ओवर 30 गेंद में ये लक्ष्य हासिल किया है, बड़ी जीत यहां पर टीम इंडिया की, और वर्ल्ड कप की तरफ बढ़ता हुआ हमारा तेजी से कदम। अब सब ये कहने लगे हैं कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, क्योंकि रोहित शर्मा कप्तान ये कहते हैं कि हमें अभी जोश में होश नहीं खोना है, संभल कर चलना है, हर खिलाड़ी को पता है कि उसकी जिम्मेदारी क्या है। देश भर में जश्न मन रहा है, दिवाली मनाई जा रही है, नागपुर, पटना, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, चंडीगढ़, हर जगह हमारे संवाददाता मौजूद हैं, और वहां पर सिर्फ और सिर्फ जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज हमारे देश में दिवाली मनाई जा रही है, और ऐसा लग रहा है
कि आज ही हमने वर्ल्ड कप जीत लिया है और आज पाकिस्तान को जिस तरह से टीम इंडिया ने हराया है उससे ये उम्मीद और ज़्यादा बढ़ गई है और ये विश्वास भी बढ़ गया कि हाँ ये वही टीम है जो वर्ल्ड कप हमारी झोली में तीसरी बार डाल सकती है। दो वर्ल्ड कप के चैंपियंस इस वक्त हमारे साथ हैं, मदन सर और उसके बाद सुरेश रैना। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि आज की जीत के बाद आप टीम इंडिया को लेकर, आप दोनों पहले से आश्वस्त थे ये हम जानते हैं, लेकिन आज की जीत के बाद मदन सर आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि हम वर्ल्ड कप इस बार जीत रहे हैं? नहीं देखिए, जैसे जैसे इंडिया टीम जीती जाती है वैसे वैसे आत्मविश्वास बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि देखिए आगे आने वाले मैचेस भी टफ होंगे, पर डेफिनेटली जैसे हमारी टीम परफॉर्म कर रही है, जैसे हमारे बॉलर्स हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि बॉलर जो है अगर वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो बैट्समैनों के लोगों भी के लिए भी एक राहत मिलती है और एक बैट्समैन हमारे भी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये एक कम्बिनेशन जो बना हुआ है उससे विश्वास बढ़ गया है कि हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सुरेश, आपको लगता है कि आज एनालिसिस करते समय आपको थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैं कमी कहाँ निकालूँ? आज वाकई कमी किसी भी प्लेयर में ढूंढते नहीं मिल रही है? कमी निकाल नहीं सकते, जिस तरीके से आप मैच जीते हैं, हमने बैटिंग अच्छा किया, बाद में बॉलिंग जो पार्टनरशिप में कुलदीप यादव जडेजा उसके बाद सिराज बुमराह और जो हार्दिक पांड्या ने जो ऐसे करके बोला ना गुजराती में इस गेंद पे विकेट आ भी जावे, तो वो आउट करके भी गया उसको हक को, तो दर्शाता ही कितना कीन है वो भारत के लिए अच्छा करने के लिए। बेस्ट ऑलराउंडर्स में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं और रोहित शर्मा की वो फ्लॉलेस बैटिंग जो इंटेंट दिखाया, जिस तरीके से लंबे लंबे छक्के लगाए, वो शाहीन शाह अफरीदी को जो हुक मारा जो पुल मारा, और मेरा सबसे फेवरेट शॉट था जो कवर्स पे रोहित शर्मा ने हरीश रॉफ को मारा, वो जो टाइम हो रहा है ना बॉल, तो मुझे लगता है सुरेश अय्यर का फॉर्म में आना आज जो 50 उन्होंने बनाया, तो हमारा एक से लेके सात तक पूरी टीम फॉर्म में है, तो सबसे अच्छी बात है बैटिंग यूनिट फॉर्म में है और बॉलर्स यूनिट बड़े ज़बरदस्त बॉलिंग कर रही है, तो वर्ल्ड कप की हैट्रिक तो होगी। 93 बैठे हैं इधर मदन पाजी, 2011-2023 हम देखेंगे रोहित शर्मा जो ट्रॉफी उठाएंगे 19 नवंबर को अहमदाबाद में। और बिल्कुल आपकी बात सच हो और सच होगी ही होगी, बिल्कुल आप कह रहे हैं दोनों वर्ल्ड चैंपियंस हमारे साथ हैं और रोहित की तो जितनी तारीफ की जाए कम है, 60 रन तो चौके छक्कों से मार दिए सर, 6 छक्के 6 चौके 86। देखिए उन्होंने ना ये आज जो बैटिंग की जो अप्रोच किया है ना बहुत अच्छा किया है, क्योंकि 191 रन जो है ना, कई बार आप सोचते हैं कि इतने ज़्यादा रन नहीं, आप ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, आप उसमें आउट होने के ज़्यादा जाते, उसने अटैक किया, अटैक करने से 8-10 ओवर में सारा मैच एकदम खुल गया, कि वो जो प्रेशर था लिटिल बिट प्रेशर होता है ना, वन स्कोर बोर्ड का प्रेशर वो 191 का था वो बिल्कुल ख़त्म हुआ, क्योंकि 9-10 ओवर में जब आपके पास 100 से ज़्यादा रन बन जाते हैं तो फिर आपको पता लग जाता है हाँ यार आप तो 91 रन बनाने हैं, तो वो बनने थोड़े से आसान हो जाए। और दूसरी बात है कि बॉलर्स कि उनकी पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज जो थी वो भी बड़ी, ऐसा लग रहा था कि हम मैच हार चुके हैं, और पाकिस्तान का कमबैक इसलिए नहीं कर पाए कि 155 पे दो उसके बाद 191 पे ऑल आउट, जो पार्टनरशिप हुई है गेंदबाजी की जो रोहित शर्मा ने बॉलर चेंज करे, तो दर्शाता है कि पाकिस्तान बहुत प्रेशर में, अहमदाबाद में पूरा स्टेडियम नरेंद्र मोदी सर के स्टेडियम पे पूरा ब्लू, क्यों फर्स्ट टाइम आप इतने बड़े दर्शकों के सामने खेल रहे हो, इतना उनको एक्सपीरियंस होगा नहीं, पाकिस्तान में इतने बड़े स्टेडियम है नहीं, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में उनको बेस्ट टीम से खेलना चाहिए, हो सकता है उनको थोड़ा परेशानी होगी क्योंकि बेस्ट टीम से खेले नहीं, फिर भी आज बाबर ने अच्छा किया, उनका ये पॉजिटिव है वो फॉर्म में आए, लेकिन जो 155 पे दो उसके 191 पे ऑल आउट, तो श्रेय जाते से पाजी ने बोला बॉलर्स ने, बुमराह ने बहुत अच्छा गेंदबाजी किया, कुलदीप यादव ट्रूप के साबित होंगे इस वर्ल्ड कप के बाद। और एक बात है, एक बात मैं करना चाहूंगा कि बाबर की हम बात तो करते हैं, हो सकता है कि ये मैं डिबेट नहीं शुरू कर रहा, हो सकता है कि वर्ल्ड क्लास का टेस्ट प्लेयर जरूर हो, पर वनडे में मैं समझता हूं कि थोड़ा सा उसमें काफी कमियां हैं, वर्ल्ड क्लास कौन होता है जैसे रोहित शर्मा विराट कोहली, बिल्कुल ये अगर गेम चेंजर मतलब एकदम चेंज करते हैं, पावर आजम ओवर हाइप्ड है क्या? ओवर हाइप्ड नहीं, ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, इज अ टेस्ट मैचेस में नो डाउट अबाउट दैट कि इज अ वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर, और वन डे क्रिकेट में आई एम सॉरी। अच्छा मैं स्ट्राइक रेट बहुत कम है उसका, सही बोल रहे हैं, रिजवान उनके इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, किस तरीके से बिल्कुल खेलते हैं। मदन सर, सुरेश रैना दोनों हमारे साथ बने रहेंगे, ये बड़ी जीत है
हम यहाँ जब मैच से पहले टॉस के समय बात कर रहे थे तो आप और हम भी ये बात कर रहे थे कि 280 तक तो पहुँचेगा ही पहुँचेगा कम से कम पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ 191 पर रोक देना और जसप्रीत बुमराह का प्लेयर ऑफ द मैच बनना, रोहित शर्मा की शानदार 86 रनों की पारी है, हर गेंदबाज का दो दो विकेट लेना, हर बल्लेबाज का कॉन्ट्रीब्यूट करना, यानी ये कि खेल के हर क्षेत्र में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से पछाड़ा है। 86 रनों की पारी, रोहित शर्मा कप्तान की, 6 छक्के 6 चौके और सुरेश रैना और मदन सर दोनों ज़बरदस्त तारीफ रोहित शर्मा की लगातार कर रहे हैं मैच शुरू होने से पहले जब हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था। लेकिन जब जो रिएक्शन आया रोहित शर्मा का, तो वो रिएक्शन ने हमें काफ़ी इम्प्रेस किया। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, हम पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच को आम मैच की तरह लेते हैं, ये एक अच्छी बात रोहित शर्मा ने यहाँ पर कही। हमारा फोकस हर विभाग में अच्छे प्रदर्शन पर था, वही हुआ, यानी कि गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग। हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि पहले से ही टीम फॉर्म में थी, ये भी बहुत अच्छी बात है। किसी भी प्लेयर के साथ ये नहीं था कि आउट ऑफ फॉर्म है। हम पाकिस्तान को 270 प्लस यानी कि 280 तक उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने उम्दा गेंदबाजी की। हमारे बल्लेबाजी नहीं, गेंदबाज भी कमाल कर रहे हैं। मतलब ये कि दोनों डिपार्टमेंट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, चाहे तो आप पहले बल्लेबाजी करें चाहे आप चेस करें, और तभी कोई भी टीम जीत सकती है। और टीम इंडिया की यही ताकत है कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो साथी हैं, वो कमाल धमाल कर रहे हैं। तो हम इस चर्चा की शुरुआत मदन सर आपसे, रोहित शर्मा से ही करते हैं। क्या रोहित शर्मा में आप कैप्टन कूल कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की गंभीरता देखते हैं? क्या वो ज़्यादा ज़रूरी है या सौरभ गांगुली का वो हम अग्रेशन देखें वो मिसिंग? नहीं, देखिए आप किसी को किसी प्लेयर से, कैप्टन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे सौरभ से चाहे MS धोनी से। ये इसका अपना एक स्टाइल है। देखिए, हो सकता है कि ये इतना ज़्यादा शो नहीं करता, पर अंदर से मेंटली बड़ा ज़्यादा स्ट्रांग हो, और उसको उसने जो आज कैप्टनसी दिखाई है, मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने मूव किया है, जिस भी बॉलर को उन्होंने चेंज किया है, वहाँ से उन्होंने उस बॉलर ने उनको विकेट निकाल के दिए। बाकी जो उन्होंने बातें की हैं वो बिल्कुल सही है कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, रोहित शर्मा जैसे कह रहा है कि 280-270 हम रन एक्सपेक्ट कर रहे थे। बाकी देखिए, बल्लेबाजी के बारे में जो बात की, बॉलर्स के बारे में बात की है, देखिए आपके जब एज ए टीम जब आपके परफॉर्म कर रहे हैं बैट्समैन बॉलर, तो एक कम्बिनेशन बन जाता है, तो उसके जीत के ज़्यादा कहते हैं ना आसानी हो जाती है, और हर बैट्समैन बॉलर अपना किरदार निभा रहा है। जैसे इज ए बैट्समैन, इस जॉब इज टू गेट रन्स, इफ आई एम अ बॉलर माई जॉब इज टू गेट विकेट्स, यू नो। तो अगर ऐसे होता चला जाता है ना, तो फिर रास्ता थोड़ा सा मिल जाता है, आसान हो जाता है। सुरेश, आपके तो दोस्त हैं रोहित, और हम एज ए क्रिकेट फैन, हम जब रोहित को देखते थे आज से नहीं बहुत पहले से, तो हमें लगता था कि थोड़ा वेट भी ज़्यादा था जब नए आए थे, आप याद कीजिए, बाद में उन्होंने वेट भी कम किया। हमें लगता था कि बस एक मस्त मौला टाइप प्लेयर है, कंसिस्टेंसी जिसकी नहीं है, नहीं चलता है तो जल्दी आउट हो जाता है, चलता है तो बढ़िया मार जाता है। लेकिन आज जो रिएक्शन देखा एज अ कैप्टन, एक बहुत ही मच्योर्ड कैप्टन, आप कैसे देखते हैं? जैसे मदन पाजी ने बहुत अच्छी बात बोली कि मेंटली बहुत स्ट्रांग है वो, दिखाता नहीं। कुछ प्लेयर होते हैं जो दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से वो क्षमता रखते हैं कि अपने देश को आगे बढ़ाएं। और जिस तरह से परफॉर्मेंस आप देखेंगे, फिटनेस अच्छा किया, उसके बाद अपना ट्रेनिंग किया, योयो अच्छे अंकों से पास किया उन्होंने, और सबसे अच्छी बात है कि टीम का ग्राफ लेके जाते हैं। सबसे डिफ़िकल्ट उनके लिए था कि कुलदीप यादव को खिलाया, चहल बहुत अच्छा कर रहे थे उनको सेलेक्ट नहीं किया, अश्विन को लेके आया जो अक्षर पटेल को इंजरी हो गई, तो सारा जितना भी होमवर्क था ना सब टिक करके आए। फील्डिंग डिपार्टमेंट इंडिया की बेस्ट फील्डिंग होगी, जडेजा खेल रहे हैं पॉइंट पे, फील्डिंग वो कर रहे हैं, विराट कोहली ने कैच अच्छा पकड़ा, बुमराह की वापसी कराई, उनको आयरलैंड भेजा, कप्तान बने वो, 10 ओवर एशिया कप में डलाए। तो अब स्टार्टिंग से 12 महीना पहला देखोगे ना कितना हार्डवर्क रोहित शर्मा ने, फिर जब अजीत भाई सेलेक्टर बने तो सबको सपोर्ट किया, सबसे कम्युनिकेट कर रहे थे एज ए कैप्टन, क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है, जो भी अगर आपको चाहिए मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आप मुझसे कम्युनिकेट करो, आपको ये बैटिंग पे बैटिंग मिलेगी तो आपको यही करना पड़ेगा, आप अपनी मिस्टेक रेक्टिफाई करो, मैं बैठा हूँ आपके लिए। जब कप्तान ऐसे बात करते हैं ना, तो प्लेयर जब वर्ल्ड कप वाली स्कीम में जाता है, तो वो चाहता है कि मैं अपने कप्तान को वर्ल्ड कप जिताऊँ, हर उस बंदे के लिए वर्ल्ड कप जीतूँ जिन्होंने मुझे उस
जाने वाले टाइम में सपोर्ट किया है, चाहे मेरे कोचेज हों, चाहे मेरे डॉक्टर्स हों, चाहे मेरे वो पेरेंट्स हों, चाहे हमारे वो फैंस हों जिनके लिए हम खेलते हैं, जो पाजी बात कर रहे थे, ये असली फैंस है, ग्राउंड्स पे आए, मैच देख रहे हो। और रोहित शर्मा का जो मेंटली स्ट्रांग से ज़्यादा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो इसलिए प्लेयर के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, जब भी वो कहीं जाते हैं तो प्लेयरों को अलग तरीके से रिस्पेक्ट देते हैं। हमने देखा किस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मजेदार एकदम, एक एक लाइनर देते हैं, पता था कि गिल खेलने वाले हैं। और आज भी यही हुआ है। देखिए मैं और रिएक्शन लूंगा आप दोनों से, लेकिन मदन सर ने बहुत अच्छी बात कही कि आप किसी भी कैप्टन को किसी से कंपेयर मत कीजिए, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, उसकी अपनी स्ट्रेंथ होती है। और जो तारीफ सुरेश रैना लगातार रोहित शर्मा की कर रहे हैं, आप मुझे तो ताजुब हुआ, मैंने आपसे पहले भी कहा कि आप दोनों ने क्या कोई बात की थी, एक ही बात दोनों ने कही सीधे। हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता के पास आपको लिए चलते हैं, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर विक्रांत मौजूद हैं। इस जीत को कैसे देखते हैं विक्रांत आप? वर्ल्ड कप हमारा, आज ये जीत कितनी पुख्ता करती है इस बात को? दो बातें हुई हैं सईद भाई, एक ये कि दो पॉइंट मिल गए, और दूसरा ये है ना कि भारत की टीम ये कहेगी थैंक गॉड इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ड्रामा इज ओवर, क्योंकि जो मर्जी कहिए आप, ये ड्रामा होता है, प्लेयर्स कहते हैं यार ये भी मैच है, लेकिन वो पाकिस्तान से हारना नहीं। तो जो दो पॉइंट आज इंडिया को मिल गए हैं वो आपको बताते हैं कि यार सेमीफाइनल दरवाजा खुल गया है। ठीक है, यहां से आपको छह मैच और खेलने हैं, और अगर आप छह में से तीन भी जीतते हो आप सेमीफाइनल जाते हो। बट मैं ये चाहता हूं और मेरा मानना है कि ये भारत की टीम टॉप टू में फिनिश करनी चाहिए, जिस लिहाज से बाकी टीमों को हमने देखा है ना, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, पाकिस्तान आखिरी चार में जाता नहीं दिख रहा है, एक टीम जो दिख रही है बड़ी अच्छी वो है साउथ अफ्रीका, एक दिख रही है न्यूजीलैंड, इंग्लैंड भी एक मैच हार रहा है बट वो टीम वापस आएगी, और एक एक इंडिया है। तो मेरे हिसाब से दो बातें जो मैं कह रहा था, और दूसरी यार एक पाकिस्तान के लिए ना सईद भाई अब थोड़ा मुश्किल होगा, दो पॉइंट यानी कि चार पॉइंट लेकर आए थे, पर किससे? नेदरलैंड से और एक श्रीलंका से, पहली बड़ी टीम आई वो तो इंडिया थी, आप 191 ऑल आउट हुए हो। और दूसरी बात है कि नेट रन रेट, जो सुरेश राणा मुझे याद है इन्होंने मिड इनिंग शो में आपको कहा था कि नेट रन रेट इंपॉर्टेंट होगा सम स्टेज और दी अदर, भाई आपको जब मौका मिले, मेरा हमेशा मानना है दुश्मन की गर्दन हाथ में है उसको दबा दो, छोटा क्यों। तो आज पाकिस्तान का नेट रन रेट धड़ाम करके गिरा है, मैं इंडिया के चढ़ने की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, धड़ाम जो कह रहे थे जी हमारा इम्प्रूव हो गया, धड़ाम क्यों, मैं ठीक करूंगा। विक्रांत सुनिए भाई, सुरेश रैना कह रहे हैं कि आप अपने उन दोस्तों को तो बुला लीजिए, पाकिस्तान टीवी चैनल वाले जियो और ARY वालों को क्यों नहीं बुला रहे हैं आप? जीत लिया, लगा ही नहीं कि ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो कुछ हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग देखना था, कुछ दिल की धड़कन और तेज हुआ। आप ये लोग बताइए ना कि यार वर्ल्ड कप फाइनल यहाँ पर है जी, ठीक है, और ये अच्छा हमारी आवाज सुनाई दे रही है, इनकी जर्सी दिखाओ यार, मतलब इनका कॉन्फिडेंस है यार, वी आर फोर सेम थिंग्स, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत है, मैं भी पूछता हूं बाकी टीमों को देख के आपको लगता है चैंपियन इंडिया? इंडिया फर्स्ट नंबर पे रहेगा और फर्स्ट ही रहेगा, टॉप टू में तो आना ही है कंफर्म। जिस तरह आज पाकिस्तान को हराया है सबकी बोलती बंद कर दी है, बस इतना था कि इंटरेस्टिंग नहीं रहा, जो इतना जो 1.5 लाख पब्लिक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके पास ऐसे बोला का कोई आंसर ही नहीं था, बोला जाते इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस एवरी टाइम कम होते गया है, आज और कम हो गया, ओनली थिंग जो रह गया पाकिस्तान गेम में ही नहीं थी सुबह से आज, उनका कोई अटैक ना, कोई क्राउड उनके लिए ना कोई सपोर्ट। यार एक बात बताओ, क्राउड का क्या मतलब हुआ जब आप का प्रेशर एक साथ में यार 155/2 और कॉन्फिडेंस उनको लेट हुआ, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस था ही नहीं। आई वुड रिकमेंड इट वाज एन एक्सीलेंट बॉलिंग बाय विक्रांत, इफ यू टॉक टेक्निकली आज हमने उनको हर फील्ड में मारा हुआ है, और रोहित शर्मा ने जो उस वक्त वो चेंज किया, देखिए ये पैटर्न भी है, वो बुमराह को कैसे इस्तेमाल करते हैं 4-2-4 उस वक्त, लेकिन कुलदीप से, हाँ कुलदीप ने जो दो आउट किए, इफ्तिकार को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और जब आप वो दबाव आपके आपके कैंप में है ना,
एक आउट हुआ है तो इफ्तिकार ने आके एक टांग रख के मार दिया, एक टांग रख के मारने के डंडे पे लग गया, उधर से बुमराह ने आके दो डंडे पे मार दिया। दर्शकों का भी, दर्शकों का भी पूरा साथ, बिना दर्शक के तो कुछ है नहीं। नहीं पूरा चीयर कराया जो आधी मैच करके दूसरा चीयर लगा, ये जो रिजवान रिजवान जो फॉर्म में लग रहे थे क्या उससे भी उनके हौसले मस्त हुए। ये सर इस बार तीसरा वर्ल्ड कप आ रहा है और कोई बात नहीं, भारत चलो हार नहीं है, एक इंसल्टिंग हार है, ये हार नहीं सिर्फ इंसल्टिंग हार है, कोई कॉम्पिटिशन मजा नहीं है, मजा नहीं है, इतना हरा के जो मजा आना चाहिए था रगड़ के नहीं मरा है। उनसे पूछिए चोट जिनको लगी उनसे। विक्रांत विक्रांत को देखिए पकड़ लिया सबने, रोहित शर्मा की पाकिस्तान को जरा सा बोलने के बॉलिंग कर रहा था, पहली ओवर पे उनको तीन चौके पड़ गए, फिर भी उन पे विश्वास किया। सुरेश रैना जी ये बताइए कि इंडिया फेवरेट तो था, आपने बड़े पाकिस्तान से मैच खेले, इतनी टोलाराम फील्डिंग, इतनी टोलाराम पाकिस्तान देखी थी कभी आपने? नहीं, मैं तो उन लोगों को ढूंढ रहा हूं पाजी जो लोग कल बात कर रहे थे, एआरआई वाले जियो वाले कल कह रहे थे कि 14 की बात कर रहे थे कि वो आएंगे नहीं आएंगे, मैं तो अभी सईद भाई से पाजी से ही पूछ रहा हूँ, उन लोगों को बुलाओ, कहाँ है वो लोग? आपके दोस्त ये हो जाता है, देखिए अब वो यूज टू हो गए हैं, हमारे वो दोस्त हैं बट वो यूज टू हो चुके हैं अब, बट नहीं मैं अभी जो बात कर रहा था क्या वो सही बात है कि आप जब भाई नेट रन रेट किसी स्टेज पे तो आएगा ना, शायद इंडिया को जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी टॉप चार में, और पाकिस्तान तो नेट रन रेट धड़ाम करके जमीन पे आके गिर गया। नहीं नीचे आएगा, और मैं बताता हूँ विक्रांत भाई, हमारा नेट रन रेट तो ऊपर गया, अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ चेन्नई में खेलेगी, अगर अफगानिस्तान के 260-270 बनाए तो पाकिस्तान चेज भी नहीं कर पाएगी वो, कि स्पिन फ्रेंडली विकेट है, राशिद खान है, नूर अहमद है, उनकी फास्ट बॉलर यूनिट बहुत अच्छी है, और पाकिस्तान पता है कि अफगानिस्तान कैसे दम से खेलती है, अभी एशियन गेम्स में भी पाकिस्तान को हराया अफगानिस्तान ने, तो यहाँ से डगर बड़ी मुश्किल होने वाली है पाकिस्तान की। मदन जी यहाँ पर तो मुझे इतने फैंस आए हैं 1,35,000, वो कह रहे मजा नहीं आया, बताइए आज इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, ये कह रहे मजा ही नहीं आया। मजा नहीं आया तो अच्छा ही है, हम जीत तो गए, हम मजा लेने के लिए, हम मैच जीतने के लिए खेल रहे थे। आज आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो उधर विक्रांत बाजी? आपको तो लोग छोड़ ही नहीं रहे, आप नहीं झेल पाए, आप आ जाओ स्टूडियो में कल। मैंने लेनी है यहाँ से एक फ्लाइट, मेरा तो दिल कर रहा है ये छलांग मारूं और आप लोगों के साथ आ जाऊं, लेकिन मैं सच हकीकत में बताऊं, ये फैंस सिर्फ अहमदाबाद से नहीं है, अलग अलग जगह से आए। सुरेश भाई, मदन जी, मैंने जिंदगी में इस तरह का माहौल किसी इंडिया के मैच में नहीं देखा, और ये हकीकत है, आई थिंक जो मर्जी कहे, क्योंकि शायद एक बिल्डअप ऐसा था ना, इंडिया पाकिस्तान बड़ी, वो पाकिस्तान नहीं है, हकीकत है ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको सुपर हिट कहा जाता। बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ, बिकॉज जो आप बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं है जो हम जिसकी बात करते हैं, पर मज़ा जो आपने कहा ना कि जो यहाँ पे मैच देखकर मज़ा आया, वो तो डेफिनेटली 130,000 पीपल ग्राउंड के अंदर और आपके साथ इतने ज़्यादा लोग खड़े हैं तो आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा, हमें देखने का इतना मज़ा आ रहा है तो आप तो लोगों के साथ हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। हेलो वेलकम सर, आ जाओ अब आ गए हो तो कोई बात नहीं, शर्माने की क्या बात है, ह्यूज फैन सर। मुझे पाकिस्तान का शुरुआत से उनका अप्रोच समझ में नहीं आया, ठीक है वो टारगेट कितना दिमाग में लेकर चल रहे थे पता नहीं, शायद 350, बट वो ऐसा खेल रहे थे जैसे उनको 280 ही बनाना है सिर्फ, और फिर 200-150 तक कैसे ही पहुंचे थे, फिर जैसे ही बाबर आउट हुए फिर उनकी टीम कोलैप्स हो गई, तो उनका माइंडसेट ही समझ में नहीं आया, 350 के पिच पे आप 250 या 280 का माइंडसेट लेके चल रहे हो तो आप कैसे जीतोगे मैच? अच्छा मैं यही सवाल करना चाहता हूँ, स्कोर क्या है वहाँ पे? सुरेश भाई और मदन जी, मैं आपसे दोनों से सवाल करना चाहता हूँ, जो दुनियाई क्रिकेट बदली है, जो वर्ल्ड क्रिकेट बदली है 50 ओवर्स में, क्या 4-5 टीमें ही हैं जो मॉडर्न डे वर्ल्ड डे क्रिकेट में वो
कोड को क्रैक कर पाई हैं और पाकिस्तान उसमें नहीं है, इंडिया है। नहीं सही कहा आपने, बिल्कुल उनको एक्चुअली स्पिन खेलने का आइडिया ही नहीं है। अब देखें एशिया कप में कुलदीप यादव आए, वो रोटेट नहीं कर पा रहे, इफ्तिकार आए पहला बॉल खेला, दूसरा चौका मारा, तीसरे पे आउट हो गए वो। उसके बाद शकील जब आए बीच में, उसके बाद देखिए किस तरह से कुलदीप ने गेंदबाजी करी। पांच फील्डर जरूर है अंदर, लेकिन फिर भी आपको बेसिक वाले शॉट्स खेलने पड़ेंगे, आपको रोटेट करना पड़ेगा स्ट्राइक, थोड़ा सा आपको सीधे बैट से खेलना पड़ेगा जो हमारे कोचेस सिखाते थे। और सब कॉन्टिनेंट की टीम आप सोचिए पाकिस्तान की, वहाँ भी स्पिन फ्रेंडली विकेट हैं, वो स्पिन नहीं अच्छा खेल पा रहे, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है, ये बड़ा सवाल लगा है उन पर, निशान है कि उनका बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं वो, उनका गेंदबाजी कोच क्या समझा रहे हैं कि टैलेंडर को भी बैटिंग करनी आनी चाहिए। ऑलराउंडर उनके पास हैं, नवाज़ अच्छा खेले नहीं, शादाब को वो आउट कर चुके हैं, आप कुलदीप यादव को पढ़ ही नहीं रहे हो, आप हाथ से देख ही नहीं रहे हो उनका गेंद, तो कैसे आप खेलोगे? अगर आपको पार्टनरशिप बनानी है आगे रन बनाने मिडल ओवर्स में, तो आपको 8-9 रन पर ओवर बनाने पड़ेंगे और बीच में चौका मारना पड़ेगा, वो हाथ नहीं देखेगा स्पिनर का, तो आप कभी अच्छा स्पिन खेल ही नहीं सकते हो। साइड हो जाओ कैमरे से यार, इधर कैमरा साइड में हो जाओ। मैं इंडिया की बात करता हूँ, छोड़िए, जो रोहित शर्मा ने दो पारियां खेली हैं आज की बैटिंग और इवन दिल्ली वाले मैच की बैटिंग, मुझे तो ये लगा कि अफगानिस्तान का बॉलिंग अटैक और आज पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक में फर्क नहीं था, जिस तरह रोहित ने आज मारा है, और ये बड़ा मैदान है और छक्के जो मारे उन्होंने, पता नहीं छक्कों पे 6 रन मिलते हैं, ऐसे छक्कों पे तो 10-10 रन भी दे सकते थे आप। बिल्कुल सही बात है विक्रांत, पता क्या है, जैसे मैंने अभी की बात कर रहा था कि जैसे उसने अप्रोच किया है रोहित शर्मा ने बैटिंग को, मैं समझता कि बेस्ट अप्रोच थी उनकी आज के मैच की, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है कि कम टोटल में आदमी बैट्समैन है, कई बार ये सोचता है कि मैं आराम से हम रन बना लेंगे, पर उसने अटैक किया और उसने 8-9-10 ओवर में मैच को ख़त्म कर दिया, जो प्रेशर हमें पे स्कोरबोर्ड का था 191 का, वो ख़त्म किया उन्होंने। उसके बाद तो इंडियन टीम को, हमें सबको मालूम पड़ चुका था कि ये मैच 25 या 30 ओवर में ख़त्म हो जाएगा, तो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा जिन्होंने ऐसे बैटिंग को अप्रोच किया आज। थोड़ा ऐसा वो छक्का तो ऐसे मारे, एक तो साबरमती में गया था वो छक्का रोहित शर्मा का। मैच खत्म हुए, काफी घंटे हो चुके हैं, पर इन लोगों का जोश जो है सुमन जो वो भी जारी है और वर्ल्ड कप फाइनल का तैयारी जाएगा। बीमारी के बाद वापसी, विक्रांत भाई आपको देख के जोश डबल हो गया हमारा, आपको देख के जोश डबल हो गया हमारा। मैं हरियाणा हिसार से स्पेशल आया हूँ आपसे मिलने और टीम इंडिया का मैच देखने। नहीं नहीं नहीं, मैं स्पेशल आया हूँ, मैं पहले सोचा था विक्रांत भाई जरूर मिलेंगे। आप ही को ढूंढते ढूंढते आप देखिए मुझे धक्के मारने बंद कीजिए। अभी 8-0 देखने आए हैं, इंडिया ने डोमिनेट किया। उनको हर जगह से फतेह मतलब हराया है ना, उनकी फील्डिंग हुई देखिए भाई, कोई बात नहीं। ये सुरेश भाई आप तो ऐसे बड़े बड़े मैच खेले हैं यार, वर्ल्ड चैंपियन है, मतलब इस तरह मुझे लगता है कि आप जब खिलाड़ी थे शायद आप महसूस नहीं कर पाते होंगे कि यार आज आप जो तस्वीरें देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है जीत का? बहुत बढ़िया मजा आ रहा है। जाना जी से पूछ रहा हूँ, अहमदाबाद में जो मोहब्बत है ना, अहमदाबाद में जो मेहमान नवाजी, मैं तो गुजरात का कप्तान भी था 2 साल आईपीएल में, तो मैंने देखा किस तरह से दूर दूर से लोग आते थे हम लोग को सपोर्ट करने, और इतना खूबसूरत स्टेडियम, दुनिया का सबसे विशाल स्टेडियम, और वहाँ आज पाकिस्तान को मात दी हमारी टीम ने, तो बहुत बहुत बधाई। ये जो फैंस आते हैं ना, यही असली माहौल बनाते हैं विक्की भाई, इनका वो डांस करना, हमारा नाम चीयर करना, नेशनल एंथम जोर जोर से गाना, वंदे मातरम गाना, चक दे इंडिया गाना, तो वही दिखाता है कि ये फैंस देखिए जो ये एकदम खुशी का उल्लास है जिस तरीके से एंजॉय करें, तो इनको इन फैंस को भी बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। मैं देखिए आप ये तस्वीरें, अच्छा वर्ल्ड चैंपियन 2011 के बाद इस टीम में सुरेश, अब चूंकि 3 मैच हो गए हैं और इंडिया ने 2 बड़े मैच जीते हैं, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता है, ये पाकिस्तान जीता है, आपको खास क्या लग रहा है उस टीम में और इस टीम में क्या सिमिलैरिटी लग रही है?
अतः इसमें ना मुझे लगता है बैटिंग भी स्ट्रांग है, बॉलिंग भी स्ट्रांग है। 2011 में हम लोग के पास काफ़ी ऑलराउंडर्स थे, लेकिन ये वाली टीम में अलग है, सीम गेंदबाजी अलग है, स्विंग गेंदबाजी अलग है, चाइनामैन बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, रवि अश्विन है, जडेजा हैं, शामी अभी बाहर बैठे हैं, सूर्य कुमार यादव भी बैठे हैं, और जो कप्तान है ना वो फॉर्म में है, रोहित शर्मा जब जब 100 बनाएंगे उनकी कप्तानी और निखरती जाएगी वो, और उनके पास हर सिचुएशन में एक अलग वेपन रखा है उनकी प्लेइंग 11 में। हार्दिक पांड्या पुराना बॉल अच्छा डालते हैं, बुमराह भी पुराना बॉल अच्छा डालते हैं, नए तो बॉल अच्छा डाल ही रहे हैं सारे के सारे। अब इंपॉर्टेंट होगा कि बांग्लादेश के साथ, फिर 22 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ, और सबसे बड़ा मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो लखनऊ में होने वाला है, वहाँ कम से कम नहीं तो अच्छी अच्छी खासी आपको 650-700 रन बनते दिखाई देंगे। बस मुझे फिक्र इस बात की है सुरेश की वर्ल्ड कप, क्योंकि आप तजुर्बा है आपको उस टीम में, कहते हैं ना यू हैव टू पीक एट द राइट मोमेंट, बस मैं यही चाहता हूं कि भारत जो है वो इस मोमेंटम को ना देखिए भाई साहब आज मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, इस छोटे बच्चे ये पापा कहाँ हैं, इनको पकड़ा, आप अपने पापा के पास जाए नहीं तो आप घूम जाएंगे। खैर ये तस्वीरें ये मैच के कई घंटे बाद की तस्वीरें हैं, मतलब पहले सबने इस छोटे बच्चे को आगे किया कि बच्चे के साथ बात कर लो, लेकिन कहाँ जी बच्चा, बच्चे के पापा कहाँ है भाई, इनको संभाल लीजिए बच्चों को। अरे सर फोटो तो मैं खिंचा लूं, मैंने काम तो कर लूं, आपको पता मेरी तनख्वाह कट जाएगी अगर मैं इंडिया पाकिस्तान फाइनल हुआ तो कैसे लगेगा। मैं बात कर रहा हूँ यार, ये टीम आप घरों में जाती दिख रही है पाकिस्तान में। बड़ी मुश्किल से इसके पापा ने कहा है कि नहीं बात इन्हीं को करनी है। आप बैटिंग करते हो? रोहित शर्मा की आज बैटिंग देखी आपने? ऐसे बैटिंग करनी है, टुकुर टुकुर नहीं करना, ठीक है? आपका नाम क्या है? विहान। विहान, अरे भाई थोड़ा पीछे, विहान पीछे भाई। तो विहान जो है इंडिया के लिए खेलेंगे वर्ल्ड कप? यस। यार कमाल, इंडिया को कोई कौन सी नहीं, ये भाई साहब पूछ रहे हैं इंडिया के सामने, मैं सुरेश राणा से पूछता हूँ, वो पूछ रहे हैं अगर फाइनल हो इंडिया वर्सेस कौन सी ऐसी टीम जो कांटे की टक्कर होगी। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड पाजी, न्यूजीलैंड बोल रहे हैं, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, आवाज आ रही है आपको? विक्रांत सुन पा रहे हैं आप? वो कह रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। हाँ सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। मोहम्मद आमिर आईपीएल खेल रहे, मोहम्मद आमिर आई, आप देखिए आंटी जी भी आई हैं जी, क्या बहुत बहुत खुश हो गई हूँ मैं। आपको एक बात बताऊं, हमारे हमारे स्टूडियो में ना इस वक्त दो वर्ल्ड चैंपियन है, वर्ल्ड कप जीते हुए, और मैं उनके बिहाफ पे आपको कहूँ कि जो भारत की टीम जीतती है ना आप लोगों की दुआओं पे जीतती है। सही बात है, आप लोग जो दुआ मांगते हैं ना उनके लिए बहुत मांगते हैं, बहुत मांगते हैं, मेरा घर वही है सर। इंडिया आपने मैच देख लिया? देख लिया, टीवी में डर लगता है अंदर नहीं। आपने बिल्कुल सही फैसला किया, डर लगता अंदर नहीं जाना है, टीवी पे देखना है, और टीवी से पहले आज तक में देखना। जी जी बिल्कुल, सुबह आ जाएगा सब कुछ। सर सर सर, इंडिया वाले आपको आपको क्या लगता है कौन सी टीम इंडिया को चैलेंजिंग रहेगी? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका और इंडिया, ये चार टीमें सेमीफाइनल में पिछले चार साल में सिर्फ चार मैच खेल चुकी है सर। मेरे साथ फोटो ले लो। आपका कैमरा कहाँ है? मैं ले लीजिए, लाइव आपके साथ फोटो लेता हूँ, तो इसमें फोटो कैसे इंस्टाग्राम पे। चलिए मैं आप
के साथ ले रहा हूँ फोटो, बस अब मैं इसको संभाल कर रखूँगा। शार्दुल ठाकुर को क्यों खेला गया? जब अच्छा एक सवाल यहाँ से सब जानना चाहते हैं, सुरेश यादव जी दोनों से एक एक मिनट, मैं ये जानना चाहता हूँ दोनों से आपको खिलाना जरूरी है, अगर फास्ट बॉलर खिलाना तो मोहम्मद शमी, खिलाना तो अश्विन, या दोनों सुरेश आप मदन जी आप आप कुछ मदन जी और सुरेश रैना से पूछना चाह रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ पाई यहाँ पर। मोहम्मद शमी एक बार सवाल अपना दोहरा दीजिए। मेरी आवाज आप सुनिए, मैं ये कह रहा था कि सब कह रहे हैं कि जी सही भाई, अरे सही भाई मुझे नहीं पता था आप भी हैं स्टूडियो में, भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने क्या जीत दर्ज की है सही भाई, आपको बधाइयां, आपको बधाइयां, और जो आज आपने लोगों का समुद्र, नीला समुद्र वहां पर उमड़ता हुआ देखा है, और लगातार जो जोश और जुनून आप दिखा रहे हैं वहाँ, ये कमाल है, काबिल तारीफ है। अच्छा एक बात और हुई है विक्रांत, यहाँ पर रोहित शर्मा सही भाई, सवाल ये था यहाँ के लोगों का, पूछिए पूछिए पूछिए, जी 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 नहीं आप पूछिए दोनों से, सुरेश और मदन सर से। नहीं आप रोहित का बता रहे थे कुछ, हम यही बता रहे थे कि रोहित का जो रिएक्शन आया वो रिएक्शन कमाल का है, हमें जो होना है हमें आगे बढ़ना है, हर खिलाड़ी हमारा बिल्कुल संतुलित है, वो जानता है उसे क्या करना है, तो अगर एक कैप्टन इस तरह से होश के साथ आगे बढ़े तो फिर वर्ल्ड कप जीतने से कौन रोक सकता है, यही बात मदन सर सुरेश रैना से हमने कई बार पूछी। सब ये जानना चाहते हैं शार्दुल ठाकुर की बजाय क्या मोहम्मद शमी या अश्विन, मतलब मोर सो ये मोहम्मद शमी के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया को शार्दुल की बैटिंग के लिए 11 या फिर मोहम्मद शमी को खिलाना चाहिए। नहीं, मोहम्मद शमी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आने वाले आप मैच देखेंगे बांग्लादेश के साथ है, उसके बाद आप देखेंगे न्यूजीलैंड के साथ है, फिर इंग्लैंड के साथ है, तो इम्पोर्टेंट होगा शमी का। लेकिन शार्दुल ठाकुर भी एक विकेट टेकिंग बॉलर है, जब जब खेला उन्होंने अच्छा किया, आज उतना मौका नहीं मिला क्योंकि हमारे बॉलर ने उनको ही ऑल आउट कर दिया, जल्दी दो ओवर डाले जरूर उन्होंने, तो इम्पोर्टेंट होगा किस तरीके से अभी प्लेइंग 11 रहेगी। मैं सोचता हूँ कि बांग्लादेश के साथ कहाँ पे खेलेंगे, तो वहाँ शमी को एक ट्रायल मैच दे सकते जिस तरीके से फॉर्म में आएंगे, पर शार्दुल ठाकुर से बेटर ऑप्शन है मोहम्मद शमी। चलिए चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया यार, आप सब एक काम कीजिए अपने लिए ताली बजाइए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जीत पर। फिलहाल यहीं पर ये लाइव खत्म होता है, थोड़ी देर बाद दोबारा जुड़ेंगे, आज तक पर भी जुड़ेंगे और स्पोर्ट्स तक पर भी जुड़ेंगे, पूरे हिंदुस्तान को इस जीत की बधाई। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।